Hello students. Hi, this is C A. Sushil Kumar, your mentor and guide for C A. Articleship preparation and C A. Final preparation. In our previous video, we had covered statutory audit domain where we have uh, discussed from basics to advanced that what all concepts and questions you need to keep on mind if you are going for a statutory audit interview. Okay. आई uh, होप आप लोगों ने उस वीडियो का नोट्स बना लिया होगा एंड हुए एवर स्टूडेंट हैड सीन दैट वीडियो उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे किया था मैसेज एंड मैंने उनसे एडिशनल मटेरियल भी शेयर कर दिया है तो आप उस वीडियो के बेसिस पे और जो भी मैंने एडिशनल मटेरियल आपके साथ शेयर किया है प्लीज़ आप एक नोट्स बना लेना अगर आप एक कॉपी में नोट्स बना लेते हो सपोज़ फाइव टू टेन पेजेज़ का आपका नोट्स बनता है तो वेन एवर यू वॉन्ट टू रिवाइज और सपोज आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू है फॉर द पर्पज ऑफ स्टैचुरी ऑडिट, ओके सो आपको बार बार वीडियो को या फिर मेरे टेलीग्राम के ऑडियो नोट्स को रेफर नहीं करना पड़ेगा यू विल रेफर दैट नोट्स ओनली ओके चलो सो ऑन द सिमिलर लाइन्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर इंटरनल ऑडिट पार्ट बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे समझेंगे पहले कि इस प्रोफाइल में होता क्या है क्या बेसिक टर्म्स हम लोगों को जानना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग इन टू द इंटरनल ऑडिट इंटरव्यू टेक्निकल क्वेश्चन विल सी मास्टर स्ट्रोक्स ऑल्सो विल सी ओके चलो सो कॉपी एंड पेन लेकर रेडी रहिए बिकॉज यू विल हैव टू मेक द प्रॉपर नोट्स वीडियो देखते के साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइए प्लीज़ ओके चलो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट एन ओवर व्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल ये ओवर व्यू का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टिल डेट विद द स्टूडेंट्स इंटरनल ऑडिट इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट अंडर रेटेड प्रोफाइल मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इंटरनल ऑडिट होते क्या है उनको बस ये पता होता है दैट प्रोसेस का चेकिंग होता है कंट्रोल्स का चेकिंग होता है प्रोसेस कंट्रोल कंप्यूटर ऐसा सोचते हैं वो लोग दे सिम्पली कंसिडर्स दट इंटरनल ऑडिट इज समथिंग दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू सी ए ऐसा उनको लगता है ठीक है अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आप सुनो पहले मैं जो भी बता रहा हूँ आप सुनो पहले यू वुड बी एबल टू रियलाइज अगेन दैट हाउ लुक्रेटिव क्रिएटिव आई कैन से और हाउ एक्सटेंसिव दिस प्रोफाइल इज प्लस एक और बात होती है कुछ सीनियर्स भी उनको बोल देते हैं कि यार इंटरनल ऑडिट में मत जाओ बुरा है ये प्रोफाइल एन ऑल आई डोंट नो वो किस बेसिस पे बोलते हैं अगर आप लोगों को ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिले सीनियर से दैट इंटरनल ऑडिट बुरा है या कोई या कोई भी भी प्रोफाइल कोई बोले टैक्स बुरा है या फिर ऑडिट बुरा है तो आप उनसे बेसिस पूछो कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर टेलिंग मी दिस राइट कहने का तो मैं भी आपको बहुत कुछ बात कह सकता हूँ बट हर एक बात का एक बेसिस और सपोर्टिंग्स होना चाहिए सो so, बिल्कुल ओपन माइंड करके यू लिसन टू मी दैट वाट आई एम टेलिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल ओके चलो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया इंटरनल ऑडिट को ओके इंटरनल ऑडिट को मैंने डिफाइन किया है और इसमें लिखा हुआ है दैट इंटरनल ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन इज एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्वस अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटिटी विथ अ व्यू टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स देयर टू एंड एड वैल्यू टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग द एंटिटीज स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सर कुछ समझ नहीं आया आप पढ़े तो बहुत अच्छा बट समझ नहीं आया नो no प्रॉब्लम देखो इस डेफिनेशन में जो इम्पॉर्टेंट था एक था इंडिपेंडेंट ये फॉन्ट अच्छा नहीं है इसमें जो सबसे बेस्ट था वाइट कलर जो आपको ध्यान रखना है ना वन थिंग इज इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन ओके सबसे पहला बात दूसरा बात गवर्नेंस मैकेनिज्म और तीसरा बात इंटरनल कंट्रोल्स ओके okay. इस डेफिनेशन में आपको बस इतना ही याद रखना है इस पर ही बेस्ड है ये डेफिनेशन और इंटरनल ऑडिट का एक्जैक्टली exactly मतलब देखो कहता है कि इंटरनल ऑडिट इज़ डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन सबसे तो पहली बात ये एक मैनेजमेंट का काम है मैं एक कंपनी हूँ ओके मेरे कंपनी की एक मैनेजमेंट है या तो मैं ही से सपोज मैं ही उसका मैनेजमेंट हूँ तो ये मेरा काम है क्या इंटरनल ऑडिट करना ओके okay? समझना अभी अभी इस पर मत आना कि सर जब वो वो मैनेजमेंट का काम है तो फिर सी कैसे करे सुनो पहले मेरी बात को तो इंटरनल ऑडिट इज डिफाइंड एज ए इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्वस कॉन्टिन्यूअस एंड क्रिटिकल अप्रेजल कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार और क्रिटिकल अप्रेजल अप्रेजल मीन्स क्या होता है प्रोसेस ऑफ रिव्यू किसी भी भी चीज़ों को चेक करना वेरीफाई करना ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटिटी मतलब एंटिटी के फंक्शनिंग को हमेशा रिव्यू करना विथ अ व्यू टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट ये रिव्यू हम लोग क्यों कर रहे हैं ये हम जो हम लोग अप्रेजल कर रहे हैं ये हम लोग क्यों कर रहे हैं विथ अ व्यू टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट दे आर टू एंड एड वैल्यू टू एंड स्ट्रेंथन द गवर्नेस मैकेज्म मैंने ये गवर्नेंस मैकेनिज्म भी यहाँ पर लिखा है गवर्नेंस मैकेनिज्म मीन्स होता है अ प्रोसेस और पॉलिसी टू कंट्रोल एंड मैनेज द कंपनी ठीक है एक कंपनी को चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया है ना मैनेजमेंट ने दैट इज कॉल्ड द गवर्नेंस तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन सही तरीके की है कि नहीं उसका हम लोग अप्रेजल करेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट्स के लिए हम लोग अपने सजेशन देंगे ओके okay? उसके बाद कहता है कि इंक्लूडिंग द एंटीटी स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का भी अप्रेजल होगा विद अ व्यू टू प्रोवाइड सजेशन देयर टू सो इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है ये काम मैनेजमेंट का है ओके okay? ये काम मैनेजमेंट का है कि वो क्रिटिकल अप्रेजल करते रहे वो कॉन्टिन्यूस रिव्यू करते रहे किस चीज़ का अपने गवर्नेंस प्रोसेस का अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का और अपने इंटरनल कंट्रोल्स का ओके okay? अब देखो मैंने बोला कि ये मैनेजमेंट फंक्शन है ये मैनेजमेंट का काम है मैनेजमेंट का काम है बट जरूरी नहीं है ना कि वो खुद से करेंगे मैं कहता हूँ कि रतन टाटा जी है वो क्या टाटा ग्रुप का खुद से इंटरनल ऑडिट करने लगे क्योंकि वो मैनेजमेंट के आदमी है नो no, राइट right? हर कंपनी में अब ये काम मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट लोगों को अपॉइंट कर दे वैसे तो पूरा कंपनी ही चलाने का जो काम है वो मैनेजमेंट का है तो वो किसी एम्प्लॉय को ही ना रखे राइट right? सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन जो कि मैनेजमेंट मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराते हैं ओके okay? अब एक चीज इंपॉर्टेंट समझने का है दैट प्राइमरी बेनिफिशरी कौन है मैं कहता हूँ इंटरनल ऑडिट इसका प्राइमरीली बेनिफिट किसे मिलता है अगर मैं इंटरनल ऑडिट कराता हूँ तो इसका बेनिफिट किसे मिलता है और स्टेचरी ऑडिट का बेनिफिट किसे मिलता है मैं कहता हूँ कि ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या मैं कहूँ स्टेक होल्डर्स को मिलता है डायरेक्ट बेनिफिट और इंटरनल ऑडिट कराने का जो बेनिफिट है वो मैनेजमेंट को मिलता है ऐसा मैंने क्यों लिखा ऐसा मैंने इसलिए लिखा बिकॉज आप लोग समझो एक बार इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है देखो मैं एक कंपनी हूँ ओके मैं एक कंपनी हूँ और इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है जो भी रूल्स पॉलिसीज एंड प्रोसेस मैंने अपने कंपनी में इंप्लीमेंट किए फॉर द पर्पज ऑफ सेव गार्डिंग ऑफ असेट कंप्लाइंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन ठीक है और इसमें दो पॉइंट होते हैं रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस मैं अगर इसका मतलब समझाऊ तो हर वो प्रोसेस जो मेरे कंपनी को अच्छे तरीके से काम कराए किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो किसी भी तरीके का लॉस ना हो बेसिकली ओके okay? अब वो प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोसेस में अगर कुछ प्रॉब्लम है इस प्रोसेस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लॉस किसे हो रहा है मेरी कंपनी है मुझे हो रहा है लॉस राइट right? ठीक है तो अगर मैं किसी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता हूं और कहता हूं कि तुम इस प्रोसेस को कर दो ठीक इस प्रोसेस को तुम कर दो ठीक तो बेनिफिट मुझे हुआ ना एज अ मैनेजमेंट ओके और इन अकारी स्टैचरी ऑडिट में क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बनाते हैं ओके उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस बाहर से इंडिपेंडेंट ऑडिटर आकर ऑडिट करता है ठीक है आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है अब ये जो ऑडिट हुआ ये ऑडिट होने के बाद जब हम ओपिनियन देते हैं अपना जब हम अपना ओपिनियन देते हैं कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट टू एंड फेयर फाइनेंशियल व्यू बोल लो या फिर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट जब हम लोग ये सर्टिफाई करते हैं ना तो यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जो लोग उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अब यूज़ करेंगे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो प्राइमरी जो बेनिफिट है ना वो यूज़र्स को या स्टेक होल्डर्स को जाता है स्टैचुरी ऑडिट का बट ये इंटरनल काम है कंपनी का इसीलिए बोला गया कि दिस इज अ दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन तभी कहा गया कि ये इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है मैनेजमेंट को ध्यान रखना है अगर आप लोगों ने ऐसे 240 का देखा होगा लैंग्वेज तो उसमें कहता है कि द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ठीक है दो काम करना होता है मैनेजमेंट को एक तो इंटरनल कंट्रोल्स लगाना है और फिर फैंस स्टेटमेंट्स प्रॉपरली बनाना है ये मैनेजमेंट का काम होता है ओके अब उनका इंटरनल कंट्रोल्स लगाया हुआ उनका प्रोसेस लगाए हुए में अगर किसी तरीके का लूप होल आता है ना तो इससे उन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मैनेजमेंट को कंपनी को ठीक है तो इसीलिए मैंने कहा कि इंटरनल ऑडिट का जो बेनिफिट है वो मैनेजमेंट को मिलता है और और स्ट्रचरी ऑडिट कराने का जो बेनिफिट है वो स्टेक होल्डर्स को मिलता है अब हुँ. अब आप अगर आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं आप ये देखो ये जो सेकेंड पैरा मैंने लिखा है ड्यूरिंग आर्टिकलशिप ट्रेनिंग द ट्रेनिंग्स आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एविडेंस इन रिलेशन टू लैप्सिस इन गवर्नेंस प्रोसेस आप लोग चेक करते हो कि उनके गवर्नेंस प्रोसेस में क्या लैप्स है अभी मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ठीक है प्रैक्टिकली दिखाकर भी एंड अदर रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप दो चीज देखते हो एक तो गवर्नेंस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है दूसरा इंटरनल कंट्रोल्स में क्या प्रॉब्लम है एज ए आर्टिकल ट्रेनिंग और यह देखने के लिए आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और एविडेंस ऑप्टेन करोगे आप बोले कि सर ये एविडेंस वगैरह तो ऑप्टेन स्ट्रेचरी ऑडिट में होता था वो यहां भी होता है सी हमारे ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं हमारे अप्रोच डिफरेंट हो सकते हैं बट कुछ कुछ प्रोसेसेस जो है वो बिल्कुल ओवरलैपिंग है जैसे सैम्पलिंग करना ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना यानी हम आप अगर ऑडिट कर रहे हो और किसी भी कंक्लूजन uh, पे पहुंच रहे तो यू नीड ऑडिट एविडेंस नो मैटर यू आर डूइंग स्टच ऑडिट और यू आर डूइंग इंटरनल ऑडिट ओके सो ऑडिट प्रोसीजर होगा ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन किए जाएंगे बट यहाँ पर हमारा परसेस हमारा पर्पज अलग होगा हम लोग यहाँ पर इसलिए ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करेंगे टू असर्ट दैट इनका गवर्नेंस प्रोसेस तो ठीक है ना इनका इंटरनल कंट्रोल्स तो ठीक है ना अभी मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स में प्रॉब्लम होता है तो कितना लॉस होता है कंपनी को और एक सी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पर कि वो कंट्रोल्स में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे और उनको सजेशंस मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए उनको सजेशन प्रिस्क्राइब करे ठीक है चलो फिर मैंने लिखा है द ऑडिट फॉर्म्स ऑल्सो यूटिलाइज द ट्रेनिंग रिसोर्सेज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स एंड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स सी मैंने ये बात आ, स्टैचरी ऑडिट वाले वीडियो में भी बोला था कि ऑडिट वर्किंग पेपर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑडिट वर्किंग पेपर इज समथिंग दैट डिप्ट योर वर्क ये आपके काम को बताता है कि आपने किस तरीके से काम किया है आप कितना भी काम कर लो ठीक है आप कितना भी भी काम कर लो यूड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ एनी पीपल ओवरऑल ऑफ योर वर्क मतलब आप सारे काम को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो इतना बड़ा बिजनेस इतने कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स राइट तो किस ट्रांजेक्शन्स को आपने कैसे चेक किया था uh, क्या आपको डिफिकल्टीज आई थी क्या आपको प्रॉब्लम uh, आए थे व्हाट इज योर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर नोट बनाना पड़ता है दैट नोट इज़ ओनली कॉल्ड ऑडिट वर्किंग पेपर्स जिसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड ऑडिट एविडेंस ऑफटेन एंड कंक्लूजन रीच्ड ठीक है और भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विच यू फील दैट यू नीड टू टेक अ नोट ऑफ देन दैट यू विल इनकॉर्पोरेट इन द ऑडिट वर्किंग पेपर्स उसके बाद इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स भी आप बनाते हैं मतलब आप समझो कि वर्किंग पेपर बनाना और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाना आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स को इतना इंप्रूव करेगा और आपको इतना आप सोचो ना जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो आप रिपोर्ट में क्या हाईलाइट करोगे कि मैंने ये इंटरनल कंट्रोल्स चेक किया इसमें ये सारे प्रॉब्लम है और ये हमारा सजेशन है ओके सो अलॉग विथ योर सीनियर वैन यू विल थिंक दैट एक कंपनी को अगर ये प्रॉब्लम है तो वट शुड बी द सॉल्यूशन पार्ट तो हेयर कम्स योर एनालिटिकल स्किल्स कि आप कितना सोच सकते हो दैट बेस्ड ऑन दिस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल बेस्ड ऑन दिस कंपनी का कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ये क्या ऐसा प्रोसेस इंप्लीमेंट करे जो ये जो अभी इसको रिस्क दिख रहा है ना ये रिस्क दूर हो ठीक है चलो सो so, ये रिपोर्ट्स बनाना एंड ऑडिट वर्किंग पेपर्स वगैरह बनाना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल नो डाउट टू वर्क विथ वेयर कैंडिडेट्स गेट चांस टू अनालाइज द कंट्रोल इन आपको चांस मिलता है टू एनालाइज द ओवरऑल कंट्रोल इन्वायमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड जज वेदर इट्स इट इज एडिक्वेट एंड स्ट्रीमलाइंड आप पूरे कंट्रोल इन्वायमेंट को देखते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब होता है ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखना इंक्लूडिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट का एटीट्यूड फिलोसफी ऐसा तो नहीं है कि बस इंटरनल कंट्रोल्स बहुत बड़े बड़े बैठा दिए कि यहाँ पे कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए और मैनेजमेंट खुद ही उतने कैपेबल नहीं है उतनी सीरियस नहीं है उनका जो फिलासफी है वो बायस्ड है ओके सो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल इन तो आपको ये देखना है कि वो एडिक्वेट है कि नहीं वो स्ट्रीमलाइंड है कि नहीं एंड हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो भी कंट्रोल इन है वो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई टॉप ऑब्जेक्टिव होता है ना तो लेवल वाइज मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दैट टॉप लेवल होता है फिर बिजनेस लेवल होता है और सबसे नीचे होता है ऑपरेशनल लेवल इस तीनों लेवल पे ना कुछ ना कुछ प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड होते हैं कि ये जो लेवल है ये आ, ये सारे प्रोसेस करेगा न और, और वो सारे प्रोसेस को अगर मैं समप करूँ तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप का ऑब्जेक्टिव रहता है ना वो जाकर बनता है ओके सो इसलिए ये जो नीचे का जो तीन लेवल का आ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ग्राउंड लेवल का जो प्रोसेस होते हैं ना वो सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हियर वेयर द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट कम्स इंटरनल ऑडिट उसी प्रोसेस पे चेक्स रखता है ठीक तो से चल रहा है ना अगर वही प्रोसेस नहीं चलेगा तो ऑब्जेक्टिव तो नहीं अचीव होगा राइट right? वैसे भी आप लोगों को भी पता है दैट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ओके चलो इन एडिशन टू द अबाउट ट्रेन इज ऑल्सो सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बेस्ड ऑन रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट सेम थिंग मैंने बोला देट आप लोग ऑडिट करते टाइम आपको जो भी रिस्क मिलता है उसके बेसिस पर आप इंप्रूवमेंट को सजेस्ट करते हो ठीक है वर्किंग इन इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल मेक्स यू अ प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सनालिटी नो डाउट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब आप इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल में अगर ज्वाइन करते हो तो इतना प्रोसेस देखोगे प्रोसेस में लैपसेस ढूंढोगे ना कि आपका पर्सनैलिटी बन जाएगा प्रोसेस ओरिएंटेड फिर यू विल नॉट फोकस मोर ऑन रिजल्ट्स यू विल जस्ट फोकस ऑन दैट प्रोसेस हमारा सही होना चाहिए मैं कुछ भी करूँ अपने पर्सनल लाइफ में भी मैं कुछ और भी अगर काम कर रहा हूँ तो मेरा प्रोसेस सही है कि नहीं अगर प्रोसेस सही होगा तो हमारा रिजल्ट आएंगे ही ओके प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सनालिटी एंड रियली इंप्रूव्स द एनालिटिकल ड्राफ्टिंग एंड अदर रिलेवेंट स्किल्स ठीक है रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रू प्रोफेशनल सो इट इज अ वेरी गुड प्रोफाइल अभी हम लोग आगे और करेंगे डिस्कस ठीक है चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज बेसिक इंटरनल ऑडिट टर्म्स यू मस्ट नो बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू सबसे पहला आता है इंटरनल ऑडिट एंड इट्स नेचर ठीक है इंटरनल ऑडिट क्या है मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को जो सबसे फर्स्ट पैरा में जो डेफिनेशन था दैट इज़ ओनली द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट मैं कहूँ अगर फिर से तो इंटरनल ऑडिट इज़ अ इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट का फंक्शन टू चेक ऑन देयर गवर्नेंस मै मैं अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक कंपनी हूँ मैं अपने काम करने के तरीका को चेक कर रहा हूँ कि मेरा कंपनी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कहीं कोई इंप्लॉय गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहा है कंपनी का का कोई प्रोसेस गलत तो नहीं है ये मैं मैं एज अ कंपनी बोल रहा हूँ ठीक है मुझे ये चेक करने का काम है ओके okay? अब मैनेजमेंट को इतने सारी चीज़ों को मेंटेन करना रहता है इतने सारी चीज़ों को देखना रहता है मैं अगर सीईओ सीएफओ की बात करूं तो उनके पास इतना काम रहता है बताओ क्या ये पॉसिबल है दैट वो एक रूटीन सा प्रोसेस जाकर देखे कि मेरे एचआर टीम में या मेरे पेरोल टीम में मेरे सप्लायर्स को जो पेमेंट जा रहा है वो प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं वो एक ओवरव्यू चेक कर सकते बट वो एक कॉन्टिन्यूस अप्रेजल नहीं कर सकते एंड इंटरनल ऑडिट इज़ समथिंग आप लोगों ने डेफिनेशन में देखा होगा कॉन्टिन्यूस अप्रेजल राइट right? जैसे मेरे ते यहाँ तेजस नेटवर्कस में थ्री मंथ्स में होता है एक बार तो थ्री मंथ्स में बहुत लोगों का मंथली भी इंटरनल ऑडिट होता है तो कंटिन्यूस अप्रेजल करना पड़ता है तो ये काम तो मैनेजमेंट का है वो मोस्टली चार्ट अकाउंटेंट से कराते हैं वो भी क्यों कराते हैं मैं बताऊंगा जब मैं सेक्शन 138 थर्टी बोलूंगा ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो लोगों को लगता है दैट सी सेक्शन 138 थर्टी एट कहता है अभी मैं इंटरनल ऑडिट बता रहा हूँ तो मैं मैं बता ही देता हूँ रुको वेट ऐसे आगे मैंने कवर कर रखा है बट ठीक है सी फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी इस ये मेरे डिस्कशन से आप लोगों का ना ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा कि लोग जो कहते हैं कि इंटरनल ऑडिट अच्छा नहीं है या इसमें काम नहीं है एंड ऑल ओके सो देखो सेक्शन वन थर्टी थर्टी एट ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट इसमें कवर्ड है ठीक है कंपनीज एक्ट थर्टीन सो ये सेक्शन में कुछ लिमिट्स है, है सबसे पहली बात लिमिट्स कुछ ऐसा है कि 25 करोड़ का डिपॉजिट्स प्रॉफिट फिफ्टी करोड़्स बोरोइंग्स हंड्रेड करोड़्स एंड टर्न कुछ 200 करोड़ करोड़्स है ओके okay? ये चार कंडीशन, मतलब ये चारों में से कोई एक कंडीशन या फिर क्यूमुलेटिव कंडीशन है आप लोग देखना सेक्शन 138। वो अगर कंप्लाई करता है जो कंपनी तो उस कंपनी को ही मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिट कराना फिर ये सेक्शन कर रहे हैं कि सी ए सी एस और एनी अदर प्रोफेशनल और एनी अदर प्रोफेशनल इवन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो कैन डू इंटरनल ऑडिट तो लोगों का कहना है कि जब इंटरनल ऑडिट एक कंपनी का इम्प्लॉय भी कर सकता है कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है तो फिर ये ही रीज़न है कि हाँ इंटरनल ऑडिट का जो वैल्यू है वो चार्टड अकाउंटेंट्स के लिए कम है मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी बताया दैट मैं ए कंपनी हूँ मेरा अगर इंटरनल ऑडिट कराना है ठीक है तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट फॉर मी मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट right? अब मेरे को अगर अपना कोई इम्पॉर्टेंट काम कराना होगा तो मैं किन से कराऊंगा बताओ किसी से भी करा लूँगा क्या या मैं एक्सपर्ट को देखूंगा कि मेरे एरिया कि इस एरिया में एक्सपर्ट कौन है आपको अगर अपने घर में खाना बनवाना होगा आपके फैमिली वाले खाएंगे तो यू विल सी द बेस्ट कुक या आप किसी से भी करवा लोगे नहीं ना अब कोई बड़ा सा कंपनी रिलायंस है बताओ अपने एम्प्लॉय से कराएगा क्या इंटरनल ऑडिट तो ये तो बेसिक सी बात है कोई भी मैनेजमेंट देखो एक बार कोई स्टार्ट ऑडिट का अगर बात होता ना स्टार्ट ऑडिट में क्या होता है मैं मैनेजमेंट हूं मैंने बैलेंस शीट बनाया है मेरे बैलेंस शीट में गलती निकालने आया है स्टैचरी ऑडिटर ठीक है वो एक बार को गलती ना निकाले ना मुझे लगे ठीक है ठीक है ठीक है जाओ जाओ बट इंटरनल ऑडिटर आके गलती ना निकाले तो सबसे पहले प्रॉब्लम मुझे होगा क्यों क्योंकि वो मेरे कंपनी का प्रोसेस है जो मैंने एक्सप्लेन किया मेरे कंपनी का प्रोसेस चेक कर रहा है अगर मेरा कंपनी का प्रोसेस सही नहीं है ना तो लॉस मुझे होगा मेरे पैसे होंगे वेस्ट मेरे असेट होंगे वेस्ट इसीलिए इसमें ना मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है ओके okay? सो so, कभी भी ये मत सोचिए आप लोग दैट इंटरनल ऑडिट करने का चांस सीए को को नहीं मिलता है बल्कि मैंने तो सिर्फ सी वगैरह को ही देखा है जितने भी अच्छी कंपनीज़ है इवन एक नॉर्मल कंपनी भी वो सीएस को ही अपॉइंट करती है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिट उनको अपना प्रोसेस चेक कराना है इतना ह्यूज़ वॉल्यूमलेस ट्रांजेक्शन है इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है बिजनेस में रिवेन्यू मॉडल अलग है बिजनेस मॉडल अलग है इतने सारे अनयूजल ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते रहते हैं इंडिया में काफ़ी डाइवर्स बिजनेस मॉडल है ठीक है तो दे ऑलवेज सी फॉर अ पर्सन हु इज़ आई कैन से एक्सपर्ट इन द एरिया एंड एक्सपर्ट इन द एरिया इज चार्ट कॉन्टेंट ओनली ओके सो इसीलिए सेक्शन में ऐसा दिया हुआ है कि कोई भी कर सकते हैं इस बात से कुछ भी वैल्यू कम नहीं होता है बहुत ही ज़्यादा लर्निंग्स है इस प्रोफाइल में ओके okay? चलो बढ़ते आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वेरी सिंपल अगेन आप लोगों को दो ये वर्ड याद रह लेना चाहिए दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू इंश्योर दैट द गवर्नेंस प्रोसेस एंड द इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग इफेक्टिवली बस और कुछ नहीं ओके okay? उसके बाद इंटरनल ऑडिट चार्टर और टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनल ऑडिट चार्टर आप समझो कि ये एक ऐसा फॉर्मल uh, डॉक्यूमेंट है दैट इज बिंग अप्रूव बाय द ऑडिट कमेटी ऑफ अ कंपनी ऑडिट कमेटी इस डॉक्यूमेंट uh, को अप्रूव करता है और इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है स्कोप ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट दैट इज इंटरनल ऑडिट में क्या क्या कवर होगा कौन से पर्सन कौन से काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एवरीथिंग हैज़ बीन प्लॉटेड इन दिस इंटरनल ऑडिट चार्टर अल्टीमेटली इस इंटरनल ऑडिट चार्टर से ये पता लग जाता है कि इंटरनल ऑडिटर जो है हाउ दे आर हेल्पिंग इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ओके और इसे हम लोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं ठीक है आप लोग गूगल करना सिंपली इंटरनल ऑडिट चार्टर कुछ आप कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल भी मिल जाएगा आप देखना उसमें कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कौन से पर्सन रिस्पॉसिबल है ऑडिट कमिटी एन ऑल सारे कुछ अप्रूव करते हैं ठीक है सेवी रेगुलेशन में आप अगर देखोगे ना तो आगे मैं भी बताऊंगा दैट ऑडिट कमेटी जो है वो इंटरनल ऑडिटर के साथ काफी क्लोजली uh, करती है काम मतलब ऑडिट कमेटी हमेशा ध्यान रखता है दैट इंटरनल इंटरनल ऑडिटर ने क्या काम किया वन ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिट कमेटी वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ऑफ ऑडिट कमेटी में ये मेंशन है दैट ऑडिट कमेटी हैज़ टू डिस्कस विध इंटरनल ऑडिट ऑन द इंटरनल ऑडिटर ऑन देयर रिपोर्ट्स इंटरनल ऑडिटर जो रिपोर्ट्स इशू करता है ना उस रिपोर्ट्स को डिस्कस करता है कंपनी का ऑडिट कमेटी क्यों क्योंकि ऑडिट कमेटी को जानना ये जरूरी है कि इंटरनल ऑडिटर ने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की है ओके okay, क्या क्या उनके सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है तो ये लेवल होता है इंटरनल ऑडिटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आज अगर एक कंपनी को मैंने बोला ना आज एक कंपनी को बोल दो कि तुम्हारा स्टैचुरी ऑडिट नहीं करेंगे वो खुश हो जाएगा बट अगर वो इंटरनल ऑडिट नहीं कराए तो वो नहीं होगा खुश बल्कि उसको पता है कि इंटरनल ऑडिट नहीं कराने में उसका ही लॉस है ओके okay? चलो रिस्क एडवाइजरी वर्सेस इंटरनल ऑडिट ये एक बहुत ही बेसिक सा है क्वेश्चन एक्चुअली प्रोफाइल में कन्फ्यूज़न रहता था स्टूडेंट को कि सर रिस्क एडवाइजरी क्या होता है इंटरनल ऑडिट क्या होता है एक्चुअली बोथ आर सेम दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है ये एक फैंसी नेम है जो कि मोस्टली बिग फोर करते हैं यूज़ ईवाई वगैरह में रिस्क एडवाइजरी होता है देखो तो मैंने क्या बोला कि रिस्क का अनालिस uh, करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि uh, कौन सा रिस्क ज़्यादा है और किसका नेचर क्या है लाइवलीहुड क्या है और उस पर सजेशन देना है उस पर एडवाइस देना है राइट सो रिस्क एडवाइजरी मीन्स इंटरनल ऑडिट सेम इंटरनल ऑडिट का भी मतलब होता है कि यू हैव टू अनलाइज द कंट्रोल्स एंड गवर्नेस प्रोसेस एंड यू हैव टू सजेस्ट ऑन द रिस्क पार्ट ठीक है और रिस्क एडवाइजरी का भी मतलब वही होता है बस एक फैंसी नाम है इंटरनल कंट्रोल्स ये प्लीज ये कहीं भी आंसर करो तो ऐसे थ्री फिफ्टीन के अकॉर्डिंग आंसर करो मुझे जहाँ तक याद है ऐसे थ्री फिफ्टीन का आता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड रूल्स इंप्लीमेंटेड बाई मैनेजमेंट इम्प्लॉय और एनी अदर पर्सनल टू इंश्योर टू इंश्योर ठीक है चार पॉइंट है सेफ गार्डिंग ऑफ असेट, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन एंड कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन देखो मैंने क्या बोला मैंने बोला इंटरनल कंट्रोल्स को इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं कंट्रोल्स सेट ऑफ पॉलिसीज प्रोसेसेस और इम्प्लीमेंटेड बाय कौन करेंगे इनको सेट मैनेजमेंट इम्प्लॉयिज और एनी अदर पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लिखा हुआ है एनी अदर पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल्स बैठाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन लोग का है इंटरनल लोगों का है ओके okay? मैं अपना कंपनी चलाऊंगा तो मैं रूल रेगुलेशन मैं सेट करूंगा ना प्रोसेस तो मैं सेट करूंगा अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू इंश्योर देखना चार पॉइंट है डेफिनेशन में आप लोग पढ़ना डेफिनेशन पहला लाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस डेफिनेशन में ही इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल का ना इम्पोर्टेंस छुपा है लाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं सेव गार्डिंग ऑफ असेट सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स कंप्लाइंस विथ लॉज रेगुलेशन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब को समझाया गया है कि सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है ना जो है कि मैनेजमेंट लोग इंप्लीमेंट करते हैं कि मेरा ये चार चीज ना इंश्योर हो जाए अब देखो ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पहला क्या है रिलाबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ओके okay? मैं जो ये मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट uh, बनाने का जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रांग हो सो so दैट मेरा बैलेंस बैलेंसड लेबल बने अदरवाइज स्टचरी ऑडिटर्स आएंगे और मिस्टेक्स निकालेंगे ठीक है सो डोंट यू थिंक कि अगर एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाए तो उसके पीछे इंटरनल कंट्रोल्स का हाथ है उसके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ही इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं तभी तो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है राइट right? अगर किसी कंपनी का असेट सेफ है दैट मीन्स वॉट उनका कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है ठीक है जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ सपोज मान लो कि असेट uh, uh, ऐसा प्रोसेस uh, ऐसा पॉलिसी एक कंपनी रखा है दैट जो इंसान असेट को परचेज करेगा वो इंसान असेट को अकाउंट नहीं करेगा ऐसा अगर प्रोसेस है वहाँ पर ऐसा पॉलिसीज है सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉलिसी टू सेव गार्ड दसेट क्यों क्योंकि आप लोगों ने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ तो सुना ही होगा राइट right? कि हम लोग ड्यूटीज़ को सेग्रिगेट करते हैं ड्यूटीज को सेग्रीगेट करते हैं सो दैट एक इंसान के कंट्रोल में सारा काम ना हो अदरवाइज वो क्या करेंगे वो वैल्यू को मैनुपलेट करेंगे ठीक है वो पक्का वैल्यू को मैनुप्लेट करेंगे असेट का प्राइस कुछ और पे करेंगे उसको रिकॉर्ड किस और, किसी और अमाउंट पे करेंगे दैट इज नॉट करेक्ट राइट सो गार्डिंग ऑफ असेट हो कम्पलायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन हो इस पॉइंट पे, पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को मैंने बोला कम्प्लायंस विथ लॉ क्या मैंने किसी एक स्पेसिफिक लॉ का नाम लिया नहीं लिया ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है ये मैं नहीं लिख रहा हूँ कुछ कम्प्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन मतलब क्या है जितनी भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं एक कंपनी पे क्या जीएसटी अप्लाई होगा पक्का इनकम टैक्स अप्लाई होगा राइट कंपनी एक्ट अप्लाई होगा राइट right? अब सोचो इंटरनल ऑडिटर को ये सब लॉ के कम्प्लायस का चेक करना है जीएसटी रिटर्न्स टाइम पे फाइल कर रहे है कि नहीं टैक्स ऑडिट अच्छे से करा है कि नहीं अब कौन कहता है कि इंटरनल ऑडिट में एक एरिया का होता है काम बताओ जब मैं पी में था तो मैं पी डब्ल्यू सी का इंटरनल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर मतलब इंटरनल ऑडिट टीम के साथ मैं काम करता था जो क्लाइंट का मैं जी एस देखता था मैं इंडायरेक्ट टैक्स में था ना तो जिनका मैं जीएसटी एस देखता था जब उन लोग का इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट चेक करते थे ना इंटरनल ऑडिटर टीम तो कुछ डाउट आता था तो हम लोग से पूछते थे क्योंकि हम लोग उनका रिटर्न्स वगैरह करते हैं तो वो इंटरनल ऑडिटर हो के इंडरेक्ट टैक्स वालों से क्यों इवन बात कर रही है बताओ आप लोगों को जो लगता है कि इंटरनल ऑडिटर यार एक अलग प्रोफाइल है सी ए वाला काम नहीं है बल्कि मुझे लगता है कि जितना इंटरलेटेड और जितना इंटरलिंग और जितना एक इंटरनल ऑडिटर को नॉलेज होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उतना किसी दूसरे प्रोफाइल में काम करने वालों को नहीं होता है तभी मैं कहता हूँ कि कोई अगर सीनियर कुछ बोले तो उनसे पूछो रीजन क्या है रीजन ठीक है सो कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन मतलब मेरे जितने भी काम है वो तरीके से चल रहे है कि नहीं दैट इज कॉल योर इंटरनल कंट्रोल्स और इसी इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करता है इंटरनल ऑडिट इसी इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है इंटरनल ऑडिट और चेक करने के दरमियान वो ये सब चेक करता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जान है ठीक है आप सही तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो कि नहीं आपका सेल्स रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है आपका पर्चे रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है ये सब चीज़ें सी से रिलेटेड नहीं है यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ वैल्यू आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जो डेली लॉस हो रहा है ना उस लॉस से आप बचा रहे हो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है ठीक है सो so चलो इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन हो गया ऐसे आप लोग ऐसे थ्री फिफ्टीन करना प्लीज़ रेफर और वहाँ से याद कर लेना मुझे ये याद है ये ऐसा ही कुछ था एज ऐसे थ्री फिफ्टीन में लिखा हुआ है चलो कंट्रोल इवायरमेंट ये मैंने बता दिया है पहले बट कंट्रोल इन्वायमेंट का मतलब यही होता है कि आप समझो मैंने बोला इंटरनल कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल एक पॉलिसी है कंट्रोल का इन्वायमेंट कैसा है मतलब एक कंपनी में मैनेजमेंट uh, का एटीट्यूड मैनेजमेंट का फिलोसफी क्या है कंट्रोल्स को लेकर ठीक है इट शोज ओवरऑल कंट्रोल सिनारीो इन द कंपनी अगर हम लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं अगर कंट्रोल uh, चेक्स मांगू कंट्रोल बुक्स uh, मांगू फ्रॉम द कंपनी दैट क्या क्या कंट्रोल्स है क्या क्या पॉलिसीज है क्या क्या प्रोसीजर्स है आप मुझे बताओ ठीक है तो पॉलिसी प्रोसीजर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं कि नहीं आ, बिल्कुल अच्छा सा है बट हम लोग देख रहे देख रहे कि मैनेजमेंट का जो नेचर है जो उनकी फिलासफी जो हमें उनसे बात करके लग रहा है उनका बिहेवियर मैं बोल रहा हूँ एटीट्यूड उसमें का डिफरेंस लग रहा है तो दिस इज समथिंग सस्पिशियस काइंड ऑफ थिंग तो कंट्रोल इन्वायमेंट को आप समझो कि ओवरऑल और अ ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम कंट्रोल्स पॉइंट ऑफ व्यू ओके बस इतना ही है फिर अ कंट्रोल ओनर देखो कंट्रोल ओनर और कंट्रोल ऑब्जेक्टिवस इसको ना मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ठीक है सपोज क्या है ना सपोज ऐसा है दैट एक कंपनी में ऐसा रूल है ऐसा पॉलिसी है दैट फिफ्टी लाख से ऊपर का कुछ भी अगर बैंक से पेमेंट होना है कंपनी के साइड से अगर फिफ्टी लाख ,00 अमाउंट से ज़्यादा का बैंक का पेमेंट होना है तो उसके लिए ना जो फाइनेंस मैनेजर है एक फाइनेंस हेड है उनका अप्रूवल चाहिए होगा मान लो ऐसा प्रोसेस है ठीक है तो अब ये जो प्रोसेस है ना या मैं नोलूँ ये जो कंट्रोल है तो इस कंट्रोल के जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग कि ये हो रहा है कि नहीं दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल ओनर उनको हम लोग कहते हैं कंट्रोल ओनर अ पर्सन हु इज रिस्पॉसिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग और मॉनिटरिंग अ प्रोसेस इज कॉल कंट्रोल ओनर तो ये जो मैंने बोला ना कि फिफ्टी लैक्स के ऊपर का जो पेमेंट होगा तो फाइनेंस हेड का अप्रूवल चाहिए ठीक है तो ये जो कंट्रोल है इस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल के ओनर ओके okay? उसके बाद आता है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बट मैं इसे प्लॉट करता हूं रुको आप लोगों को बेटर समझ आएगा मैंने क्या बोला मैंने बोला एनी पेमेंट फ्रॉम बैंक फॉर एन एन अमाउंट मोर देन फिफ्टी लैख शैल रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड फ्राम फाइनेंस हेड ठीक है मान लो ऐसा कुछ पॉलिसी है ठीक है अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ये एग्जांपल ध्यान से समझना तीन चार टर्म समझ आ जाएंगे ये मैं हूँ ठीक है मिस्टर एस मैंने एक जीएसटी का रिटर्न्स प्रिपेयर किया जीएसटी का रिटर्न्स प्रिपेयर किया जिसमें इस मंथ की आर लायबिलिटी लाइबिलिटी आती है आर की लाइबिलिटी आप लोगों को पता हो आर की लाइबिलिटी हम लोग कैश में ही पे कर सकते हैं वो क्रेडिट से पे नहीं होता है फिफ्टी सिक्स लैख ओके फिफ्टी सिक्स लैख के आर लाइबिलिटी हुई और हमारे कंपनी में ऐसा प्रोसेस है कि अगर इंडायरेक्ट टैक्स टीम को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग जीएसटी लाइबिलिटी अगर जीएसटी लाइबिलिटी को पे करने के लिए कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी ना तो जो इंसान रिटर्न बना रहा होगा वो एक ई करेगा ई करेगा ई मेल वर्किंग ठीक है वो अच्छे से वर्किंग बताएगा जहाँ पे इसका कैलकुलेशन दिया होगा कि वाई आई नीड फिफ्टी सिक्स लाख रुपीस फॉर दिस मंथ सारा मेरा क्रेडिट खत्म हो गया उस वर्किंग में ऐसा रहेगा कि इतना था मेरा लाइबिलिटी इतना था मेरा क्रेडिट क्रेडिट मेरा सेट ऑफ हो गया बैलेंस बचा इतना मेरा लाइबिलिटी फिफ्टी सिक्स लाख रुपीस ओके ये वर्किंग के साथ ई करेगा ट्रेजरी टीम को ट्रेजरी टीम को ठीक है ट्रेजरी टीम वर्किंग को चेक करेगी चेक करेगी और ये अपना अप्रूवल भेज देगी अकाउंट्स फेबल टीम को जिसे हम लोग पेमेंट टीम भी कहते हैं अकाउंट्स पेबल जो टीम होती है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सप्लायर वगैरह को पेमेंट करती है तो पेमेंट एंड ऑल ये लोग करते हैं ट्रेजरी अप्रूव करके भेज देगा अकाउंट्स पेबल को ठीक है अब अकाउंट्स पेबल उसके बाद देखेगा कि ये किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है चलो ट्रेजरी ने अप्रूव कर दिया है उसके बाद ये भेजेंगे ये देखो पेमेंट करना है इसको ही पेमेंट इसे ही करना है पेमेंट ठीक है पेमेंट इसको ही करना है बट ये अप्रूवल लेने के लिए मैंने जो बोला था ये फाइनेंस हेड के पास भेजेगा फाइनेंस हेड के पास ये भेजेगा दैट फिफ्टी सिक्स का पेमेंट करने का रिक्वेस्ट uh, आया है फ्रॉम ट्रेजरी टीम वाया जी एस टी टीम तो क्या मैं इसे पे कर दूँ ठीक है अब ये जो फाइनेंस हेड है ना अब जो ये फाइनेस हेड है इसे मैं कहूँगा जो मैंने अभी आप लोग को समझाया प्रोसेस ऑनर या कंट्रोल ऑनर ठीक है प्रोसेस ओनर या कंट्रोल ओनर इसे मैं कहूँगा क्यों बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि एक अगर पूरा, पूरा का पूरा कंट्रोल है ना तो उसमें जो सबसे टॉप पे है जैसे ये था नंबर वन ये था नंबर टू ये था नंबर थ्री और ये है नंबर फोर तो ये जो सबसे टॉप पे है ना उनको आ, ओनर बनाया जाता है क्यों क्योंकि इनके पास जब जब आता है ना तो इनके पास आ, ये सारे लेग पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे ये यह तीनों का ना चेक करने का ऑप्शन रहेगा ये देख सकते हैं आराम से कि ट्रेजरी ने अप्रूव किया क्या ये आई टीम ने वर्किंग दिया क्या ये ए वाले को अकाउंट्स पेबल वाले को जो भी चेक्स करना था इन्होंने किया क्या ये सब चीज़ें को इंश्योर करके तब जाके ये अपना अप्रूवल देते तो ये होते हैं कंट्रोल के ओनर ओके और अब मैं अगर बोलूँ कि ये जो प्रोसेस था इसका आ, इसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या था इस ये जो कंट्रोल मैंने इम्प्लीमेंट किया इसका कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या था इस कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव था टू कीप टू कीप प्रॉपर चेक्स एंड अवॉइड अनऑथोराइज पेमेंट पेमेंट्स अबव फिफ्टी लैख अब फिफ्टी लैख ये था इस कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव हर एक कंट्रोल का हर एक प्रोसेस का एक ऑब्जेक्टिव रहता है ठीक है ऑब्वियसली आप अगर कोई प्रोसेस सेट की हो तो कुछ सोच करके हो राइट कि ऐसा ना हो जाए इसलिए मैं ये कर रहा हूं ओके okay, तो ये जो कंट्रोल था इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो कोई भी 50 लाख से ऊपर का पेमेंट हो तो वो अनऑथोराइज ना हो ऑथराइज हो रिकॉर्ड में रहे बिल्कुल ओके सो दिस इज कॉल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और ये मैंने प्रोसेस ओनर आप लोगों को एग्जांपल में दिखा दिया ये हो गया इसके बाद है प्रोसेस ओनर देखो मैंने ना कंट्रोल ओनर और प्रोसेस ओनर को अलग लिखा है पता है क्यों मैं बताता हूँ आपको देखो ये जो फाइनानस हेड है ये कंट्रोल ओनर भी है और ये प्रोसेस ओनर भी है बट ये लोग जितने हैं ना ये लोग ये सिर्फ प्रोसेस ओनर है कौन ये अकाउंट्स पेबल वाले ये जो सुशील है यहाँ पे ये प्रोसेस ओनर है ये ट्रेजरी वाले प्रोसेस ओनर है क्यों क्योंकि ये इंटायर कंट्रोल में ये इंटायर कंट्रोल में ये वन टू थ्री फोर ये चार प्रोसेस है ओके सो so, कंट्रोल के ओनर एक होंगे एक पूरे कंट्रोल के और उस कंट्रोल के अंदर जो दो तीन प्रोसेस है ना उनके भी एक एक ओनर होते हैं जैसे यहाँ पे जो ए पी टीम में जो भी बैठे होंगे मिस मिस्टर एक्स वाई जेड ठीक है वो उस प्रोसेस के किस प्रोसेस के कि मेरे पास ट्रेजरी से आएगा मैं चेक करूंगा कि ट्रेजरी ने अप्रूव कर दिया जी एस टी वा वालों का वर्किंग्स ठीक है फिर मैं भेजूँगा इतने बात के लिए इस प्रोसेस के लिए ये है ओनर ट्रेजरी में जो बैठे हुए हैं वो इस प्रोसेस के ओनर है कि उनके पास जीएसटी टीम से रिक्वेस्ट आएगा वो चेक करेंगे वर्किंग्स की हाँ चलो ठीक है वैलिड है पेमेंट इनका अप्रूव कर दो तो ये डिफरेंस होता है मैं कह सकता हूँ कि प्रोसेस ओनर इज अ सबसेट ऑफ कंट्रोल ओनर ओके चलो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स बेसिकली होता है दैट मैंने यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्टिव बताया था राइट right? 50 लाख का मान लो कि इंटरनल ऑडिट हुआ इंटरनल ऑडिट हुआ और मुझे लास्ट ईयर में लास्ट ईयर में थ्री पेमेंट्स दिखे देखो यहां पर कितने सारे थे चेक्स वन चेक टू चेक थ्री चेक फोर चेक राइट चार बार चेक होना था थ्री ऐसे पेमेंट्स मिले अमाउंट था सेवेंटी टू लैख सिक्सटी सिक्स लैख एंड फिफ्टी एट लैक्स ओके ये तीनों में सिर्फ दो चेक्स थे ठीक है दो चेक्स थे मतलब शायद ऐसा हुआ कि मिस्टर एस मतलब मैंने सीधा अकाउंट्स पेबल टीम को भेज दिया ठीक है मैंने सीधा पेबल टीम को भेज दिया कि आप पेमेंट कर दो और इन्होंने भी फाइनेंस हेड को फाइनेंस हेड को फाइनेंस हेड को नहीं दिखाया और इन्होंने पे कर दिया राइट right? तो तीन ऐसे ट्रांजेक्शन मुझे देखे दिखे जहाँ पर सिर्फ सिर्फ दो चेक हुआ है दो प्रोसेस कंप्लाय हुआ है ओके okay, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कंट्रोल है ना इसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अच्छा नहीं है इसका कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो कंट्रोल है इसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो ये जो प्रोसेस है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो कुछ ऐसा किया जाए ठीक है जैसे कि हम लोग मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली एक्चुअली ये प्रैक्टिकली प्रोसेस है ठीक है अपनी कंपनी में ही है तब मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है कि एक न, अगर कोई पेमेंट अगर है फिफ्टी लाख से वह तो आपको इस तरीके से अप्रूवल वगैरह कराना है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मान लो कि ये जो अकाउंट्स पेबल वाले जो पेमेंट करते हैं ना बैंक्स में ये भी मैंने यहाँ पर ही देखा है कि जो कॉर्पोरेट पेमेंट्स होते हैं ना कॉरपोरेट पेमेंट्स जो होते हैं जैसे हम लोग अगर इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं ट्रांसफ़र तो हम लोग को कितना जगह पासवर्ड लगता है एक तो लगता है लॉगिन करते टाइम और एक ओ लगता है या तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड लगता है या ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी लगता है ओ भी लगता है राइट कॉरपोरेट बैंकिंग में क्या होता है कॉरपोरेट बैंकिंग में आप अगर पेमेंट कर रहे हो ना तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड तो लगेगा ही लगेगा उसके बाद दो ए ना उस प्रोसेस के ओनर होंगे उनका नाम होगा उनका आप अप्रूवल में टैग कर दीजिए कि इनका अप्रूवल होगा तभी पेमेंट होगा और फिर उसके बाद वो अपना अकाउंट खोलेंगे वो अपना अकाउंट ओपन करेंगे और उस और वो अप्रूव करेंगे तभी पेमेंट होगा अब इससे क्या हुआ देखो मैं कहता हूँ कि मान लो कि फाइनेंस हेड ने अप्रूव नहीं किया तो ये अकाउंट्स पेबल वाला पेमेंट कर ही नहीं सकता है अपने बैंक से पेमेंट करेगा अकाउंट्स पेबल ही बट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस हेड इनके जो एक्सिस बैंक का समझो कि कॉर्पोरेट बैंकिंग है अगर उसमें सेट है कि ठीक है ये अमाउंट करके पे कर दिया ओ डाल दिया बट दिस पेमेंट इज़ सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मिस्टर बी मिस्टर सी ठीक है जो कि फाइनेंस हेड है तो ये प्रोसेस अगर है ना प्रॉपर तो ये अकाउंट्स पेबल वाला पेमेंट कर ही नहीं सकता बिना फाइनेंस हेड के अप्रूवल के ओके okay? तो यही बात है कि मेरा प्रोसेस ओनर और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स की मैं बात कर रहा था कि अगर हमें ऐसा कोई पेमेंट मिल जाए जिसमें कि चेक्स है ही नहीं तो हम लोग कहेंगे कि यार ये कंट्रोल का तो कोई बात ही नहीं है फिर आता है एंगेजमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव बहुत ही ईजी है मैं एक सी ए फॉर्म हूँ और मुझे एक कंपनी का इंटरनल ऑडिट करने का ऑफ़र आया मुझे एक इंटरनल ऑडिट करने का ऑफ़र आया तो उसे मैं कहूँगा कि ये मेरा इंटरनल ऑडिट इंगेजमेंट है और उसके ऑब्जेक्टिव सिंपली आप जो इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हो तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज कॉल ऑबेक्टिव मतलब मुझे अगर एक असाइनमेंट मिला है दट इज माई इंगेजमेंट हम लोग आशी स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं स्टचरी ऑडिट में भी होता है यूज चलो इसके बाद आते हैं गवर्नेंस एंड कम्पलाइंस मैंने बोला था दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल सो गवर्नेस एंड प्रोसेस का मैंने आप लोग को सिंपल मीनिंग बताया इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज टू डायरेक्ट एंड मैनेज द कंपनी कंपनी को चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज है ओके दट इज कॉल गवर्नेंस आपको सर इंटरनल कंट्रोल विद आपने वही बताया कि रूल्स एंड पॉलिसी देखो गवर्नेंस इज़ इन अ ब्रॉडर पार्ट गवर्नेंस इज समथिंग दैट केयर्स अबाउट स्टेक होल्डर्स गवर्नेंस कैसा होना चाहिए इसे हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं ठीक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ओके आप कहोगे सर ये गवर्नेंस एंड ये जो गवर्नेंस है ये है ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेड है क्या है ना सी जितनी भी लिस्टेड कंपनी है जितने भी लिस्टेड एंटिटी है उनको लिस्टिंग अग्रीमेंट से कंप्लाई करना पड़ता है लिस्टिंग अग्रीमेंट जो कि क्लॉज फोर्टी नाइन है क्लॉज फोर्टी नाइन ऑफ फोर्टी नाइन ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट से बी कहता है ठीक है से बी का कहना है कि आप अगर स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर कराते हो आप अगर स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को लिस्ट कराते हो ना तो लिस्ट कराते हो तो आपको लिस्टिंग अग्रमेंट को फॉलो करना पड़ेगा एक अग्रीमेंट आप समझो करता है से बी क्लाज फोर्टी है लिस्टिंग अग्रीमेंट का जो डिफाइन करता है कॉरपोरेट गवर्नेंस उसमें कुछ कुछ पॉलिसीज दिए हुए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट दिए हुए हैं कि आपको इस लिस्टिंग एग्रीमेंट के के अकॉर्डिंगली करना है सो so, ये सब जो रिक्वायरमेंट है ना आपको पता होगा दैट जितने भी लिस्टेड एंटिटी होते हैं वो क्वार्टरली अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं क्वार्टरली पब्लिश करते हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डाइवर्सिटी होता है वो सब कुछ डिफाइंड रहता है तो ये सब कॉरपोरेट गवर्नेंस में ही लिखा हुआ है कुछ कमिटियाँ इनऑल फॉर्म करना है ओके मैं दिखाता हूँ आप लोग को प्रैक्टिकली मैंने इन्फोसिस का साइट ओपन किया है ये इन्फोसिस का वेबसाइट है आप देखो ऊपर है करियर्स और इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के इन्वेस्टर्स सेक्शन पे जाना इन्वेस्टर्स में देखो आवर कॉरपोरेट गवर्नेंस फिलोसफी ये लिखा हुआ है नीचे में शायद सेक्शन था हाँ ये देखो सबसे फर्स्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस इसको करते हैं रीड मोर इनका कॉर्पोरेट uh, गवर्नेंस का फिलोसफी लिखा हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी लिखा हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी एवरीथिंग इज मैंशन ईयर आप लोग पढ़ना है इसे ये बहुत ही हेल्पफुल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी को आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि uh, कुछ लिंक्स है उसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड डाइवर्सिटी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स कमेटी कंपोजिशन कमेटी में होता है स्टेक होल्डर कमेटी ऑडिट देखो ऑडिट कमेटी में कौन कौन है ये सारा कुछ डिस्को किया हुआ है ऑडिट कमेटी स्टेक होल्डर एंड रिलेशनशिप कमेटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नॉमिनेशन एंड रेमेशन कमेटी ये सब आप लोग कंपनी एक्ट में पढ़ोगे कंपनी एक्ट में भी ये रिक्वायरमेंट है और सिविल रेगुलेशन में भी ये रिक्वायरमेंट है सो so, ये तो है एक और चीज कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी देखो इनका क्या कहता है कॉर्पोरेट पॉलिसी ऑन कैपिटल एलोकेशन ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो कोई भी इसे पढ़ सकता है पर्पस क्या है पॉलिसी अप्लाइज टू यूजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ अवेलेबल कैपिटल बाय इनफोसिस लिमिटेड इन्फोसिस लिमिटेड के बाद जितने कैपिटल है उसको कैसे यूज़ करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है आप लोगों को पता हो मतलब कि ये चीज़ आप लोगों ने एफ एम में पढ़ा होगा कि अगर एक कंपनी का अर्निंग्स है हंड्रेड रुपीज़ कुछ वो रिटेन करता है कुछ वो डिविडेंड देता है राइट तो जो डिविडेंड दे रहा है उसको यहाँ पे कहा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन और जो रिटेन कर रहा है ना वो उसको कहा गया है यहाँ पे यूजेस ठीक है क्योंकि रिटेन करना मतलब वॉट कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर रहती है कंपनीज को तो वो कवर करता है अभी मैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर ही रिकॉर्ड कर रहा था एस में तो उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया अच्छे से ओके okay? फिर कहता है इन्फोसिस कमिटेड टू अडॉप्टिंग अ प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी दैट बैलेंसेज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इन नीड ऑफ द बिजनेस इन्फोसिस का कहना है दैट हम लोग जो अपना कैपिटल एलोकेट करते हैं ना मतलब कितना रखना है कितना बांटना है कितना डेट हो कितना श... इक्विटी uh, शेयर हो कितना प्रेफरेंस हो ये ऑल ये सब हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं लाइक बिजनेस की नीड क्या है फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स क्या है लिक्विडिटी क्या, क्या है रिटर्न रेशियोज़ क्या है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है ओके पॉलिसी देखो पॉलिसी का द बोर्ड ऑफ इन्फोसिस ने अप्रूव किया है फॉलोइंग कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल कैश रिक्वायरमेंट स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक मतलब एक हाई लेवल पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे और ऑपरेशनल कैश रिक्वायरमेंट ऑपरेशनल मतलब होता है कि डेली डे टू डे रूटीन वर्क में जितने पैसे लगेंगे इफेक्टिव फ्राम फाइनेंसियल ट्वेंटी ट्वेंटी द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिटर्न अप्रॉसीमेटली एटी फाइव परसेंट ऑफ द फ्री कैश फ्लो अक्यूमुलेटिवली ओवर अ फाइव ईयर पीरियड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेमी एनुअल डिविडेंड्स एंड शेयर बाय बैक कहता है कि इन्फोसिस का ये मानना है कि वो एटी फाइव परसेंट एटी फाइव परसेंट ऑफ जो उनके पास फ्री कैश फ्लो है ना वो पाँच साल में दे देंगे किन को शेयर होल्डर्स को किस फॉर्म में किस फॉर्म में थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ सेमी एनुअल डिविडेंड्स मतलब छः छः महीने पे डिविडेंड देकर या तो मैं क्या करूँगा मैं शेयर्स का बायक कर लूँगा कहते हैं ये इन्फोसिस कह रहा है कि मैं बाय बैक कर लूँगा या तो बीच में स्पेशल डिविडेंड दे दूँगा दैट इज़ इंटरिम डिविडेंड दे दूँगा बायबैक का भी अगर आप लोग को कॉन्सर्ट पता हो शॉर्टकट से जब भी कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा होता है तो वो बाय बैक कर लेती है अपने शेयर्स को तो वो अल्टीमेटली करती है कि आपने शेयर होल्डर से शेयर लेती है और उनको कैश देती है तो उस चीज़ का ही यहाँ पर बात किया हुआ है कि आ, बात ये लोग कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट टू रिटर्न रिटर्न करने की बात कर रहे हैं 85 फाइव परसेंट ऑफ द फ्री कैश फ्लो ओके सो इस तरीके से ही ना आप देखोगे तो यहाँ पर कॉरपोरेट रिस्पॉन्स ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के सारे पॉलिसीज दिए हुए हैं और बैक में था हाँ यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है कि इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फिलोसफी क्या है देखो मैं पढ़ रहा हूँ फर्स्ट पैरा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू ऑन सस्टेनेबल बेसिस मतलब मैं शेयर होल्डर के वैल्यू को मैक्सिमाइज करूँ ऑन अ बेसिस मतलब हमेशा वाइल इन्श्योरिंग फेयरनेस टू ऑल स्टेक होल्डर्स कस्टमर्स क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि अप्रोच अब बहुत पुराना हो गया कि सिर्फ शेयर होल्डर पर फोकस करो अब स्टेक होल्डर्स अप्रोच का टाइम है तो कहता है कि हम शेयर होल्डर का तो वैल्यू को मैक्सिमाइज करेंगे ही बट साथ साथ हम इंश्योर करेंगे कि फेयरनेस हो मतलब बिल्कुल सही हो टू तो ऑल द स्टेक होल्डर्स कस्टमर्स वेंडर्स पार्टनर्स इन्वेस्टर्स इम्प्लॉयज गवर्नमेंट एंड सोसाइटी ठीक है सो गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फिलॉसफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसी दीज आर वन ऑफ द वे डैट हाउ अ कंपनी ऑपरेट जब मैं ऐसे बोल रहा था ना सेट ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर दैट कैसे कंपनी तो आप लोग को लगता होगा एक दो रूल है राइट बट ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जेनविनली इस तरीके से ही चल रहा है कंपनी ठीक है जेनविनली इस तरीके से ही चल रहा है मैं तेजस के भी साइड पे दिखा देता हूँ कि इन लोगों का क्या है या सो दिस इज तेजस नेटवर्क्स की वेबसाइट इसमें हम लोग इन्वेस्टर्स में आते हैं ये इन्वेस्टर्स ऑप्शन है इन्वेस्टर्स रिलेशन पॉलिसी है देखो एनुअल रिपोर्ट अपलोडेड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखो दिख रहा होगा साइड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हो तो देखो यहां पर भी पॉलिसी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पढ़ते हैं इनका क्या है देखो इन्होंने कुछ पैरामीटर लिखा है कि क्या पैरामीटर टू बी कंसिडर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड तो ये सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब ये जो मैंने दिखाया आप लोग आप लोग पढ़ना है इसे ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिलोसफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज़ का इंटरनल ऑर्डरस चेक करते हैं दैट ये जो ये जो मैंने बोला कि गवर्नेंस में कोई लैप्सिस तो नहीं है तो जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है ना सिमिलरली फॉलो हो रहा है या नहीं दिज ऑल थिंग्स आर बिंग चेक बाय द इंटरनल ऑडिटर ठीक है तो दिस इज ऑल्सो समथिंग मैंडेटेड बाय से बी तो दिस इज ऑल्सो समथिंग कम्स अंडर द कम्पलायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन दो बात है अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेक कर रहे हो तो आप लॉ के कम्पलायंस को भी चेक कर रहे हो और आप एक तरीके से कंपनी का गवर्नेंस को भी चेक कर रहे हो क्योंकि ये गवर्नेंस ही मैंडेटेड बाय लॉ हो जाता है लिस्टेड एंटिटी के, के केस में ओके सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब यही है और मैंने लिखा है कंप्लायंस भी कंप्लायंस का मतलब होता है जस्ट अदेरेंस टू लॉ एंड रेगुलेशन आप किसी भी चीज़ से अधेर करते हैं अगर किसी भी चीज़ों को कंप्लाई करते हैं तो उससे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कंप्लायंस हो रहा है ओके okay? चलो आई होप ये क्लियर है चलो अब कुछ रिस्क से रिलेटेड टर्म्स है जो आप लोगों को समझना चाहिए रिस्क एंडिट्स टाइप्स सबसे पहली बात तो ये रिस्क वो फाइनेंस वाला रिस्क नहीं है कि रिटर्न आपका वेरिएबल होगा रिटर्न ऊपर नीचे होगा तो आपको रिस्क ज़्यादा होगा वो वाला रिस्क नहीं है इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कोई भी अगर आप लोगों से पूछे तो उनको सिंपली ये बोलना कि रिस्क इज एनी थिंग एनी थिंग दैट अफेक्ट एडवर्सली द अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो भी चीज़ रोक रहा है दैट इज कॉल्ड रिस्क अब इसके टाइप्स सबसे पहले है इनहेरेंट रिस्क इनहेरेंट रिस्क इज सम दैट इज़ आई कैन से बंडल टू एनी प्रोसेस एक प्रोसेस में वो ना बंडल्ड है और वो भी ऐसा बंडल है कि उसे हम लोग ना सेपरेट नहीं कर सकते पूरा जैसे मैं आपको बताऊँ तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है सपोज ओके okay? वो पेट्रोल को मतलब उनका इन्वेंट्री क्या होगा गैसोलिन पेट्रोल राइट right? तो पेट्रोल सबका नेचर ऐसा है कि थोड़ा सा अगर उनको खुला हवा मिले ना तो वो इवापोरेट हो जाते हैं right? राइट अब उस पर कंट्रोल्स वगैरह तो लगाएंगे दैट हाउ डू वी हैव टू स्टोर दैट थिंग प्रॉपरली बट स्टिल कुछ ना कुछ तो वो वो उड़ेगा ही कहते वो कुछ ना कुछ तो इवापोरेट हो गई ठीक है सो दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क एक ऐसा रिस्क जो कि प्रोसेस में ही कंबाइंड है और उसको सेपरेट करना हंड्रेड पॉसिबल नहीं है उसके बाद आता है कंट्रोल रिस्क कंट्रोल रिस्क मीन्स ऐसा रिस्क जो कि कंट्रोल में कुछ गलत रहा होने के कारण हो रहा है देर इज सम डेफिशेंसी इन द कंट्रोल ड्यू टू विच दट दिस रिस्क हैज़ बी नाइजन और देखो मैं ना मैं ये सब जो भी डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ इंटरव्यू के में आंसर करने के लिए सिंपल लैंग्वेज ही यूज़ करना चाहिए ताकि इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि ये रट के आया है तभी भाई मेरे हाथ में, को, में कोई मटेरियल नहीं है एक मेरा बेचारा सा आईपैड है ये ठीक है मैं इस पर ही लिख रहा हूँ बट मैं कुछ ओपन करके नहीं रखा हूँ आप लोग नोट्स भी बनाना तो ऐसे ही बनाना शॉर्ट बिल्कुल छोटा सा उनको आंसर करना है फिर एक आता है डिटेक्शन रिस्क ये तो हम लोग अपने ऑडिट में ही पढ़ते हैं डिटेक्शन रिस्क का मतलब है कि आपने अच्छे से ऑडिट नहीं किया आपने अच्छे से इंटरनल ऑडिट नहीं किया और आप प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर पाए ठीक है इसके बाद आता है रेसिडुअल रिस्क रेसिडुअल रिस्क रेसिडुअल रिस्क का मतलब है कि रि इन देखो मैं मैंने क्या बताया ये इनहेरेंट रिस्क के बारे में ये एक ऐसा रिस्क है जो रहेगा ही इसका कोई कुछ नहीं कर सकता बट डू यू रियली थिंक इसका कोई कुछ नहीं कर सकता दिस मीन्स कि इस पर कोई कंट्रोल्स नहीं लगाए जाते होंगे पेट्रोल तो है यार उड़ेगा ही तो क्या छोड़ दे उसको हवा में नहीं ना उसको बचाने के लिए कंट्रोल तो करते हैं बट सिंस वो इनहेरेंट रिस्क है और वो हम लोग जीरो नहीं कर सकते देखो कोई भी रिस्क है ना रिस्क के साथ हमेशा सा वर्ड यूज़ करना मिटिगेट रिस्क कैन बी मिटिगेटेड नॉट एलिमिनेटेड रिस्क को हम लोग हंड्रेड परसेंट नहीं हटा सकते किसी भी केस में ओके सो इनहेरेंट रिस्क पे इनहेरेंट रिस्क पे हम लोग जो कंट्रोल्स लगाते हैं इनहेरेंट रिस्क पे जो हम लोग कंट्रोल्स लगाते हैं इसके बाद भी जो रिस्क बच जाता है ना उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल रिस्क रेसिडुअल वर्ड का मतलब भी होता है बचा खुचा ओके इवन रेसिडुअल रिस्क का फॉर्मूला भी है रेसिडुअल रिस्क का फॉर्मूला भी है रेसिडुअल रिस्क का फार्मूला होता है इनहेरेंट रिस्क इनहेरेंट रिस्क माइनस इफेक्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल्स का जो भी जो भी इफेक्ट हुआ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इनहेरेंट रिस्क ठीक है इनहेरेंट रिस्क में से आ, मैं मैंने कुछ कंट्रोल को इम्प्लीमेंट किया उस कंट्रोल का जो भी इफेक्ट हुआ इफेक्ट होने के बाद जो रिस्क बच गया ना देट इज कॉल्ड रेसिडुअल रिस्क ओके सो रिस्क का बेसिक मतलब पता चल गया एंड उसका टाइप्स पता चल गया उसके बाद आता है रिस्क एपेटाइट रिस्क एपेटाइट मतलब होता है रिस्क लेने की क्षमता सपोज मान लो एक कंपनी का फाइव परसेंट रिस्क लेने का कैपेसिटी है किसी भी एक एरिया में ओके अब आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो आपने इंटरनल कंट्रोल्स में लैब्स निकाला और आप रिस्क के बेसिस पे रहे कि बाबा वाह ट्वेल्व परसेंट का इनको रिस्क है तो व्हाट यू विल ट्राई यू विल ट्राई कि इस ट्वेल्व परसेंट के रिस्क को मैं मिटिगेट करूं मैं फिर से ये टर्म बोल रहा हूं मिटिगेट मैं मिटिगेट करूं और मिटिगेट करके इसको एटलीस्ट तो फाइव के अंदर ले आऊं जीरो ना कर पाऊं तो फोर तो जरूर कर दूं फोर पॉइंट फाइव कर दूं थ्री कर दूं बट क्योंकि देखो रिस्क एपेटाइट के अंदर रहेगा ना रिस्क एपेटाइट मीन्स रिस्क लेने का कैपेसिटी ओके okay. अगर फाइव परसेंट रिस्क लेने का कैपेसिटी है और ये और इनका रिस्क अगर फोर फोर परसेंट है तो ठीक है ना ओके सो रिस्क एपेटाइट मीन्स रिस्क लेने का कैपेसिटी उसके बाद रिस्क असेसमेंट रिस्क असेसमेंट मीन्स आप बेसिकली समझो रिव्यू ऑफ रिस्क मैं हम लोग किसी भी रिस्क को अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके बाद उसे असेस करते हैं ऐसे थ्री फिफ्टीन का नाम क्या है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ एंटिटी ठीक है ऐसे करके पहले है identity, पहले है आइडेंटिफाइंग उसके बाद है असेसिंग मुझे पहले पहले पता चलेगा दैट ये, ये रिस्क है ये मैंने आइडेंटिफाई किया उसके बाद मैं उसको असेस करता हूँ मतलब मैं उसको चेक करता हूँ मैं उसका ना कैपेसिटी चेक करता हूँ कि उसके होने का लाइकलीहुड कितना है प्रोबेबिलिटी क्या है अगर वो हुआ तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा ये असेस करने से ही पता चलता है और जब हम एक बार असेस करते हैं कि उसका एम्बिट क्या है उसका कैपेसिटी क्या है तभी हम उस पर रिस्पॉन्स दे पाते हैं ओके okay? तभी ऐसे थ्री का नाम है रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क रिस्पॉन्स किस पे असेस्ड रिस्क पे सिर्फ आइडेंटिफाई करने के बाद हम कि हाँ चलो ये ये रिस्क है और इस पर काउर स्टेप ले लो ऐसा नहीं होता है पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क ठीक है फर्स्ट वी आइडेंटिफाई रिस्क उसके बाद वी असेस द रिस्क असेस द रिस्क उसके बाद वी रिस्पॉन्ड टू द रिस्क हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो असेसमेंट पे ही बेस्ड होगा असेस करने के बाद इसका हमें जो लेवल पता चला है ना किसी पे भी अटैक करना है तो ये जानकर अटैक करेंगे ना कि उसका लेवल क्या है ओके okay? चलो नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क बेस्ड ऑडिट ओके रिस्क बेस्ड ऑडिट इसका सिंपल सा मतलब है दैट हम लोग रिस्क का का एनालिसिस करेंगे एक कंपनी का और जिस एरिया में ज़्यादा रिस्क होगा उस एरिया में ज़्यादा ऑडिट करेंगे सिंपल सी बात है रिस्क बेस्ड ऑडिट जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ सपोज कि मी एज एन इंटरनल ऑडिटर मैं प्रीलिमिन्री रिस्क एनालिसिस कर रहा था एंड आई आइडेंटेड आई हैव आइडेंटिफाइड ट्वेंटी रिस्क ओके और इस ट्वेंटी रिस्क का जो मैंने असेसमेंट किया और मैंने देखा दैट इसका मॉनेटरी टर्म्स में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा तो पड़ा मुझे फिफ्टी लाख ठीक है कंपनी को ट्वेंटी डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क है और उस रिस्क का मॉनेटरी इफेक्ट जो है वो है फिफ्टी लाख अब आउट ऑफ दिस ट्वेंटी लाख आउट ऑफ दिस ट्वेंटी रिस्क फाइव रिस्क को ही मैं देखूँ ना तो दिस फाइव रिस्क अकाउंट फॉर फोर्टी लैक्स ठीक है और बाकी का जो फिफ्टीन रिस्क है वो बनता है मेरा टेन लैख सो डोंट यू थिंक ये जो फाइव रिस्क है इसको ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए पहले हम मतलब आउट ऑफ ट्वेंटी मैं कहता हूं कि ट्वेंटी का जो फाइव है वो कितना हो गया आई थिंक सेवेंटी फाइव परसेंट हो गया राइट सॉरी सॉरी मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट वो है ये मेरा ट्वेंटी फाइव परसेंट है राइट ट्वेंटी फाइव परसेंट में फोर्टी लाख है और फिफ्टीन जो कि हमारा सेवेंटी फाइव परसेंट है उसमें टेन लाख है तो डोंट यू थिंक इस पाँच पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए यही होता है रिस्क बेस्ड ऑडिट कि रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग रेटिंग करते हैं कि किस में ज़्यादा रिस्क है किस में ज़्यादा अमाउंट है उसमें ज़्यादा रिसोर्स उसमें ज़्यादा टाइम हम लोग एलोकेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिस्क बेस्ड ऑडिट हमारे सी ए फाइनल के भी सिलेबस में है ये चलो उसके बाद है फ्रॉड फ्रॉड ऐसे 240 में पढ़ना एक विलफुल एक्ट टू डिसीट एनी वन टू कमिट एनी क्राइम ओके टू आप ये भी कह सकते हो टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ एनी लूप इन द इंटरनल कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल्स में लूप होगा तो फ्रॉड होगा ओके ऑडिट एविडेंस सेम एक्सप्लेनेशन दैट वी परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑपटेन ऑडिट एविडेंस इन ऑर्डर टू अराइव एट एनी कंक्लूजन ओके okay, हम लोग ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करते हैं किसी भी मैटर पे तभी जाके हमें पता चलता है कि नहीं मैं कुछ कंक्लूड कर सकता हूँ कि नहीं इनका रिस्क है या इनका रिस्क नहीं है प्रोसेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है जैसे मैंने जो वो एग्जांपल दिया था आ, कैश का पेमेंट वाला उसमें क्या ऑडिट एविडेंस होगा बताओ उसमें ऑडिट ऑडिट एविडेंस होगा मेरा ई मेल मैंने ई सेंड किया था कि नहीं उसमें जो अटैचमेंट थे उसमें वर्किंग सटेज थी कि नहीं उसके बाद जब आ, ट्रेजरी टीम ने उसको चेक किया तो ट्रेजरी टीम ने क्या ई सेंड किया मतलब ये पेपर में साइन नहीं होता है आजकल ठीक है ई मेल ही होता है ई मेल ही अप्रूवल होता है तो ट्रेजरी टीम ने जो अप्रूवल दिया और अकाउंट्स फेबल टीम के पास सेंड किया तो वो क्या लिख कर दिए थे या वो अप्रूव लिख कर दिए थे या वो या उनको कुछ डाउट थे नल ये सब उनका ट्रेल होगा जो कि हम लोग चेक करेंगे टू ऑपटे ऑडिट एविडेंस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड वर्किंग पेपर मैंने बता रखा है आप लोगों को दैट यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट एविडेंस ऑप्टेंट एंड सिम्पली यू हैव टू ड्राफ्ट वर्किंग पेपर एक ऐसा फ़ाइल है ना जो लोगों को बताएगा कि आपने कि, किस तरीके से काम किया है ठीक है आपका चेहरा तो देखकर पता नहीं चलेगा कि हाँ ये इसने बहुत अच्छे से काम किया है बट आप अगर एक बढ़िया सा वर्किंग पेपर दिखा दो दिखा दो कि देखिए मैंने ये आइडेंटिफाई किया मैंने ये आइडेंटिफाई किया यहाँ पे इतना रिस्क है तो मैंने ऐसे एनालिसिस किया इसमें ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए मैंने ये भी मार्क कर रखा है तो वो शो करता है कि आपने कितना वर्क किया है डॉक्यूमेंटेशन का लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है मैं काफ़ी टाइम से रिपीट कर चुका हूँ डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इट इज़ वन ऑफ द इंटरनल चेक आई कैन से इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लैपसेस इन द प्रोसेस जैसे जो इंसान कैश को कलेक्ट करके लाएगा वो कैश के अकाउंटिंग नहीं करेगा मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि जो आदमी फिक्स्ड एसेट को परचेज करेगा वो uh, उसे अकाउंट नहीं करेगा ओके okay? सो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किया ही जाता है टू इंश्योर द स्टीम लाइनेस ऑफ द प्रोसेस एंड टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो जिस रीज़न के लिए हम लोगों ने कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया है वो हमारा मिटिगेट या फिर डायल्यूट नहीं होना चाहिए सो दिस वॉज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अब आते हैं मेकर एंड एंड चेकर कॉन्सेप्ट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटरनल चेक देखो इसमें क्या होता है कि अगर सपोज मान लो रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस में मेकर एंड चेकर पॉलिसी लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो रिटर्न को मेक कर रहा है जो बना रहा है वो अपने से हायर अथॉरिटी के पास या किसी सीनियर को देगा चेक करने के लिए मेकर एंड चेकर ये दो सेपरेट पीपल होंगे और आप लोग ऐसे भी देखना मतलब मैं खुद देखता हूँ कि अगर मैं किसी भी वर्किंग्स पे काम किया हूँ मैं कितना भी इंडिपेंडेंटली उसको रिव्यू कर लूँ कि चलो मैं देख लेता हूँ कुछ गलती तो नहीं हुआ कुछ गलती तो नहीं हुआ बट कुछ ना कुछ ऐसा मिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई और उसको अगर चेक करे तो ठीक है इसीलिए मेकर और चेकर को डिफरेंट रखा जाता है ऐसा नहीं होगा कि एक पॉलिसी में में यह बोल दिया जाएगा कि जो मेकर है पॉलिसी ऐसा है कि वो दो बार चेक करे नहीं जो मेकर है वो तो चलो ध्यान से बनाए कहीं चेकर एक अलग होगा ठीक है तो दिस मेकर एंड चेकर कॉन्सेप्ट इज़ टू तो इंश्योर द एक्यूरेसी और ये भी इंटरनल ऑडिट करते टाइम इंटरनल ऑडिटर्स चेक करते हैं दैट जो प्रोसेस है मतलब जहाँ पे भी, भी मेकर एंड चेकर का स्कोप लगता है इंटरनल ऑडिटर्स को कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे मेकर चेकर का अगर कॉन्सेप्ट रहा था तो ये प्रोसेस और स्ट्रांग हो सकता था तो ऐसा रिकमेंडेशन इंटरनल ऑडिटर्स देते हैं ओके इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आयर क्या होता है शायद ये आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़े अपने फाइनल्स में भी है ये एक चेकलिस्ट होता है इसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटरनल ऑडिटर्स लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो इंटरनल ऑडिटर्स देते हैं एम्प्लॉज ऑफ द कंपनी को बिफोर परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट जैसे सपोज कि सेल्स से के इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आय होगा तो आ, किस तरीके के उसमें क्वेश्चन होंगे दैट इन् कैसे अकाउंट होती है कब अकाउंट होती है रिवेन्यू कैसे रिकगनाइज होता है सेल्स रजिस्टर कौन मेंटेन करता है कौन इन का कस्टडी रखता है कौन उसका अकाउंटिंग करता है ईआरपी सिस्टम में राइट तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है ना एम्प्लॉय से उससे हम लोगों को समझ आ जाता है उससे एक बार कोई इंटरनल ऑडिटर को आइडिया लग जाता है कि इनका कंट्रोल्स कितना इफेक्टिव है वो लोग कितने एक्टिव है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में प्रोसेस पॉलिसीज वगैरह को फॉलो करने में उसमें हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि रिटर्न्स को प्रिपेयर करने में या कुछ और भी काम करने में मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है कि नहीं राइट सो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आया था इंटरनल ऑडिटर्स को एक आइडिया लग जाता है ठीक है एक है एक उनका आइडिया लगता है दैट हाउ द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ दिस कंपनीज आर ऑपरेटिंग हाउ द इंप्लाइज आर सीरियस अबाउट देयर इंटरनल कंट्रोल्स ओके सो चलो दिस वॉज द बेसिक टर्म्स हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने बेसिक टर्म्स में कवर किया सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंटरनल ऑडिट का डेफिनेशन और उसका नेचर क्या है ठीक है नेचर अच्छा नेचर शायद मैंने बताया नहीं आप लोगों को देखो इंटरनल ऑडिट जो है ना वो थोड़ा प्रोएक्टिव नेचर का है प्रोएक्टिव नेचर का मतलब प्रोएक्टिव नेचर मीन्स आप देखो कंट्रोल्स को चेक किया जाता है क्यों कंट्रोल्स को चेक इसलिए किया जाता है ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो ठीक है ठीक है अभी तक जो इशू हुआ इट्स ओके रिस्क ये था रिस्क हाईलाइट किया अब आ, मैं आपको सजेशंस दे रहा हूं इन माय इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट अब आप अपने प्रोसेस को स्ट्रांग कीजिए सो दैट आगे प्रॉब्लम ना हो सो इंटरनल ऑडिट का जो नेचर है या मैं कहूँ अप्रोच जो होता है वो प्रोएक्टिव होता है हम लोगों ने ये भी देखा था दैट प्राइमरी बेनिफिट किसे मिलता है इंटरनल ऑडिट का प्राइमरी बेनिफिट मैनेजमेंट को मिलता है इसीलिए कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगा कि उसका इंटरनल ऑडिट गंदे तरीके से हो वो चाहेगा कि स्टैट ऑडिट ऊपर ऊपर से हो जाए स्टैट ऑडिट ऊपर से ऑडिट करके चले जाए जा जल्दी से सर्टिफाई कर दे कि दिस इज ट्रू एंड फेयर बट वो कभी नहीं ये चाहेगा कि इंटरनल ऑडिटर्स जो है वो ऊपर ऊपर से जाए तभी तो ऑडिट कमेटी सर पर बैठा हुआ रहता है इंटरनल ऑडिटर्स का से बी रेगुलेशन में लिखा हुआ है दैट ऑडिट कमेटी का ड्यूटी है टू तो डिस्कस विद इंटरनल ऑडिटर्स ऑन ऑल द मैटर्स दैट ही हैव आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट ठीक है तो इसीलिए मैनेजमेंट कभी भी अपना इंटरनल ऑडिटर Uh, जो इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म है उसको खराब होते नहीं देखना चाहता है इसीलिए वो लोग बेस्ट इन द इंडस्ट्री दैट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरनल ऑडिट कराते हैं छोटे छोटे कंपनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से ही कराते हैं बिकॉज वी आर द बेस्ट इन आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस कंट्रोल्स एंड ऑल किस तरीके से एक बिज़नेस को चलना चाहिए चलाना चाहिए हम लोग से बेटर आइडिया किसी और को नहीं है तो इस तरह की बातों में भी आप लोग ना आए कि नहीं वो तो इम्प्लॉय से करा लेता है कैसे करा लेगा भाई एम्प्लॉय से ओके okay? हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देखा इंटरनल ऑडिट चार्टर देखा कि एक डॉक्यूमेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क एडवाइजरी इंटरनल ऑडिट सेम होता है इंटरनल कंट्रोल्स देखा हम लोगों ने एस थ्री फिफ्टीन में डिफाइन किया आप लोग आप लोग पढ़ लेना प्लीज ओके कंट्रोल इन्वॉर्मेंट देखा हम लोगों ने दिस इज ओवरऑल कंट्रोल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द फिलोसफी एज वेल एज बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट हम लोगों ने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव देखा कंट्रोल ओनर प्रोसेस ओनर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इंगेजमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस एंड कम्प्लायस वी हैव सीन जो जो मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को आप लोगों को दिखाया इन्फोसिस और तेजस के वेबसाइट पे आप लोग और भी उनके उनके कारपोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज़ को पढ़ना ये सब चीज़ आपको इंटरव्यू में बोल सकते हो कि सर हम लोगों ने इंटरनल ऑडिट के डेफिनेशन में देखा था दैट गवर्नेंस प्रोसेस में लैपसेस चेक किया जाता है तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये गवर्नेंस प्रोसेस होता क्या है तो आई हैव सीन द गवर्नेंस द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ यू ऑफ़ द कंपनीज दैट इज मैंडेटेड बाय द सेबी रेगुलेशन एंड दे हैव डिसक्लोज इट इन देयर वेबसाइट उससे पता चलता है ना कि आपने आप अगर इस प्रोफाइल के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि प्रैक्टिकली किस तरीके से ये चीज़ें अप्लाई हो रही है इंटरव्यूअर को लगे कि यू आर प्रैक्टिकल यू आर मतलब वो वाले स्टूडेंट नहीं है आपकी बस रट के आ गए कि नहीं इंटरनल ऑडिट में हम लोग चेक करते हैं रिस्क क्या है कुछ पता ही नहीं राइट right. तो अपना ये सब जो प्रैक्टिकल वाला एरिया है आप लोग को इंटरव्यू में हाईलाइट करना है मैं ये बेसिक्स को इसलिए कवर करता हूँ ताकि आप लोग इस बेसिक्स को यूज़ कर पाओ इस तरीके से कि सर मैंने इंटरनल ऑडिट के बारे में जब सर्च किया तो मुझे इंटरेस्ट आया और मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने ये सब टर्म्स के बारे में सर्च किया कि ये क्या होता है वो क्या होता है और मैं अगर सबको अगर कंबाइन करूं तो मुझे ये पता चलता है कि हम लोग रिस्क का एनालिसिस करते हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसे असेस करते हैं फिर उस पर रिस्पॉन्स करते हैं देखते हैं कि उसका लाइवलीहुड क्या है उसका इम्पैक्ट क्या होगा सजेशंस देता है इंटरनल ऑल्टर बेस्ड ऑन दैट ऑडिट वर्किंग पेपर बनाया जाता है उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड होता है हमारे वर्क का इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए ओके okay, तो उनको लगा कि नहीं एक रेडीमेड स्टूडेंट आया आया है और वो है हे, हेजिटेट नहीं होंगे आपको हायर करने में ओके okay? फ्रॉड देखा हम लोगों ने रिस्क बेस्ड ऑडिट देखा ऑडिट एविडेंस देखा डॉक्यूमेंटेशन देखा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मेकर चेकर कॉन्सेप्ट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आया चलो अब हम लोग आते हैं टेक्निकल टॉपिक्स पे टेक्निकल टॉपिक्स पे मैंने सबसे पहले लिखा है मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेवेन्यू वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री वाला फॉरेन एक्सचेंज ठीक है मैं अगर ए एस की बात करूँ तो एस नाइन ए एस टू एस इलेवन ये तो रिपीट हो गया टेन लीजेस मतलब कि ये इंडिया में पी पी ई बन गया है और जो हमारा ली, लीजित वाले एसेट है सॉरी लीजित वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अब आप बोलेगे सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप क्यों बोल रहे हो देखो मैंने क्या बोला था रिलायबिलिटी ऑफ़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोला था ना तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को उन लोग चेक करते हैं तो वो लोग ना आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैकेनिज्म को चेक करेंगे स्टॉक टेकिंग आप लोग करते हैं कि नहीं वो चेक करेंगे कारों में कंप्लाइंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन राइट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉ रेगुलेशन कह सकते हैं ना इसे आप लोगों को कंप्लाई करना है तो ये सारे चीजों का चेक होता है अब बोलो अभी अब बोलोगे इंटरनल ऑडिटर सी का, का काम नहीं करता है हाँ आप कोर और इंटरनल ऑडिट में अगर हो तो आप बहुत ही अच्छा काम करोगे ओके चलो एप्लीकेबिलिटी और ओवरव्यू देखना है इंडियस का कुछ कुछ इंडिया पढ़ लेना है लाइक रिवेन्यू इन्वेंट्री ई टी सी इंटरव्यू में इस तरीके से बोलना है कि सर ऑल दो इंडियस वॉज नॉट इन आर सिलेबस बट आई नो दैट आई आई हैव रीड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ द कंपनी हैज स्टार्ट टू प्रिपेयर द फांसियल स्टेटमेंट्स एज पर इंडियस सो आई स्टार्ट टू रीड इंडियस नाउ तो आई हैव आइडिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी एंड आई हैव रेड ऑन रिवेन्यू एज वेल एज इंटरव्यू एज वेल एज इन्वेंट्री इससे ये इससे ये पता चलेगा इंटरव्यूअर को कि आपको आपके सिलेबस में नहीं था बट इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने इंडियाज को पढ़ा है और पढ़ना भी चाहिए ठीक है अदरवाइज आप अगर बोल दो कि सर सिलेबस में नहीं था तो ये आपका लेजीनेस करता है सो so. ठीक है उसके बाद मैंने लिखा है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड याद रहा स्टार्ट ऑडिट में मैंने ये ना सीरीज लिखा था बट ये अभी सीरीज नहीं है ध्यान से देखो ये मैंने स्पेसिफिक ऐसे लिखा है दैट इज रिलेवेंट टू इंटरनल ऑडिट ऐसे टू हंड्रेड देखो ऐसे टू हंड्रेड में जो एथिकल रिकॉयरमेंट है ना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इंटिग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस ये सब इंटरनल ऑडिट के लिए भी सेम है ठीक है अब इंडिपेंडेंस पे एक बात है आ, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि स्टैचुरी ऑडिटर जो होता है वो उसमें इंडिपेंडेंट उसमें इंडिपेंडेंसी रहता है इंटरनल ऑडिटर में उतना इंडिपेंडेंसी नहीं रहता है सी ये बात सच है बट इसका मतलब ये नहीं होता कि इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं वो बायस्ड होते हैं भले वो कंपनी के इम्प्लॉय होंगे बट इंटर डिपार्टमेंट मान लेते कि एक कंपनी अपने इंप्लॉय से करा रहा है इंटरनल ऑडिट बट वो इंटर डिपार्टमेंटल इंप्लॉय होंगे मतलब जो इंप्लॉई जिस डिपार्टमेंट का कर रहे होंगे इंटरनल ऑडिट ठीक है वो खुद किसी और डिपार्टमेंट के होंगे ताकि वो ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व ना हो अदरवाइज कोई भी अपना गलती हाईलाइट नहीं करता है तो इंडिपेंडेंस का जो लेवल है ना नो डाउट स्टैचुरी ऑर्डर जो होते हैं वो प्योर इंडिपेंडेंट होते हैं और जितना उनका डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी होता है उससे थोड़ा सा कम होता है इंटरनल ऑडिटर का बट वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं ऐसा नहीं कि इंटरनल इंटरनल ऑडिटर जो है वो बायस्ड लुक कर रहा है ओके ये बस कहने का इतना बात है कि वो कंपनी के अंदर का काम है तो कंपनी वाला का करने का ये होता है काम कंपनी वालों के साथ आप मिल करते हैं तभी जो स्टार्ट ऑडिट का जो स्कोप है वो लॉ में डिफाइंड है बट इंटरनल ऑडिटर का जो, जो स्कोप होता है वो मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी करता है डिटरमाइन ओके ये सब बात यहाँ से आ रही है तो चीज़ों को रिलेट करके समझना है टू फोर्टी में फ्रॉड है पढ़ना है टू फिफ्टी में कंप्लाइंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन है यह पढ़ना है टू सिक्सटी फाइव इन इंटरनल कंट्रोल्स कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट एंड टी सी डब्ल्यू जी थ्री आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन एंटिटी एंड इट्स इनवामेंट एस से थ्री थर्टी वो आइडेंटिफाई एंड असेस पे रिस्पॉन्सेज टू अड रिस्क फाइव हंड्रेड ऑडिट एविडेंस रिलेटेड पार्टीज रिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर होते हैं एस एटीन भी हाँ ये ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिख लो रिलेटेड पार्टीज ये स्टैट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है मैंने लिखा कैसे नहीं था पता नहीं रिलेटेड पार्टीज वाला भी एस पढ़ लेना एंड ऐसे सिक्स हंड्रेड टेन यूजिंग वर्क ऑफ अनदर इंटरनल ऑडिटर ओके सो ये सारे ऐसे जो है वो रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिटर है सेक्शन 138 थर्टी एट ऑफ द कंपनी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बता रखा है ऑलरेडी कंपनी एक्ट के सेक्शन 138 में डिफाइन किया हुआ है दैट व्हेन द इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटली रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी ओके सारबिन्स एंड ऑक्सले एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपली गूगल करना और इसका बेसिक पढ़ लेना एक्चुअली यहाँ का एक्ट नहीं है ये यू का एक्ट है ओके okay? और ये भी ना इंटरनल कंट्रोल्स इंटरनल पॉलिसीज वगैरह पे ध्यान देता है आप समझो कि इंडिया में जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है कंपनीज एक्ट 2013 जो अमेंड हुआ ना पहले 1956 था और इसमें जितने भी कॉरपोरेट गवर्नेंस के या पे, पेनल्टी वगैरह या थोड़ा सा कंपनी अच्छे से चले ये सब का जो प्रोविज़न आया है ना ये डिटो कॉपी या सारवेंस ऑक्सले एक, एक्ट से जब वहाँ पे क्या कहते हैं जब यूएस में जब बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए थे ना अकाउंटिंग स्कैंडल्स जो ये पहले बिग फोर पहले बिग फाइव हुआ करता था अर्थर एंड एंडर्सन ये फॉर्म को लैप्स कर गया था ठीक है उसके बाद यूएस में ये वाला एक्ट आया टू मेक द इंटरनल कंट्रोल्स मोर स्ट्रांग ओके सो इसको हम लोग सॉक्स भी कहते हैं सॉक्स तो आप अगर आप देखो तो जो यहाँ पे एम है जो इंडिया में एम एन सी ऐसे इन्फोसिस है इन्फोसिस पे सॉक्स भी होता है अप्लाई ठीक है तो सॉक्स में जो प्रोविजंस है ना वो इंटरनल कंट्रोल से कंपनी एक्ट से मिलता है एक्चुअली कंपनी एक्ट ने वहाँ का ही कॉपी किया है यहाँ का जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो सार्वन सॉक्सिल का ही ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है ठीक है सो सार्वन सॉक्सली एक्ट इज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट इसका रीजन पढ़ लेना क्यों आया था और क्या है हल्का सा ओवरव्यू हाँ रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स इसको मैंने मैं चाहता तो इसको मैं बेसिक टर्म्स में दे देता बट मैं इसको सेपरेटली इसलिए कवर किया हूँ बिकॉज रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स इज समथिंग जो इंटरनल ऑडिट में पक्का आता है एंड आप अगर इंटरनल ऑडिट के इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको ये बात पक्का एक्सप्लेन करना है दैट यू नो वॉट इज रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स इज तो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ फॉर्मैट ओके एक फॉर्मैट है रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स जो हाईलाइट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिस्क है कितने तरीके का रिस्क है उसका इफेक्ट क्या होने वाला है सी रिस्क वन रिस्क टू रिस्क थ्री रिस्क फोर ओके ये ऐसा फॉर्मेट होगा इसमें होगा नेम ऑफ रिस्क ठीक है नेम ऑफ रिस्क कंट्रोल्स क्या था इसके लिए कंट्रोल्स के ओनर कौन थे कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव क्या था ठीक है कंट्रोल का लाइकलीहुड क्या है सॉरी रिस्क का लाइकलीहुड क्या है लाइकलीहुड मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मतलब कि कितने चांसेस है उसके होने का रिस्क अगर हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या है ये सारा चीज़ रिकॉर्ड रहता है इससे क्या होता है ना इससे मतलब ये इंटरनल ऑडिट करने के बाद बनता है और इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि कितने तरीके का, का रिस्क एक कंपनी में है और उसका पूरा ट्रैक रहता है हमारे पास फिर उसके बाद जब हम लोग सजेशन देते हैं और जब उस इंप्रूवमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो हम लोग धीरे धीरे इसमें एक रिमार्क्स uh, का भी कॉलम रहता है वहाँ पर हम लोग इसको रिजॉल्व रिजॉल्व करते जाते हैं कि ये वाला रिस्क जो हमारा ये हमारा रिजॉल्व हो गया है ठीक है तो ये एक तरीके का ना आप समझो कि रिस्क ट्रैकर है रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स रिस्क और इसका क्या कंट्रोल है कौन कंट्रोल के ओनर है इसका ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स मीनस फॉर्मेट होता है ओके okay, तो हमारे पास ट्रैक रहता है कितने तरीके का रिस्क है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है एंड ऑल तो एक आप समझ लो कि इट इज़ अ ट्रैकर ऑफ रिस्क तो ये बोल कर आना है और आप लोगों को रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स का ना फॉर्मेट सर्च कर लेना गूगल पे यू विल इजीली गेट आप फॉर्मेट में देखना फॉर्मेट भी कुछ ऐसा ही होगा ओके okay? चलो उसके बाद है लास्ट ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने बोला था कि इंटरनल कंट्रोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो ये क्या है ये है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है ओवर ठीक है इसको चेक करना है इसके लिए मैंने बता रखा है सिंपली गूगल करना गाइडेंस नोट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सबसे पहला लिंक आएगा आई के साइड से उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना बस वो आई थिंक मोर देन टू थ्री हंड्रेड का पेजेज का गाइडेंस नोट है उसका आप लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ लेना कि ये होता क्या है और हल्का फुल्का कि किस तरीके से किया जाता है सो so दैट आपको आइडिया लग जाए कि ये है क्या ये कंपनी दैट के सेक्शन वन फोर्टी थ्री के किसी सब क्लॉज में भी ये बताया हुआ है ओके जी एच है ठीक है तो इतना आप लोग टेक्निकल्स में देख लेना उसके बाद आते चलो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक्स कि मास्टर स्ट्रोक्स हम लोगों को क्या देखना है चलो सबसे पहला मैंने इसमें लिखा है कि इंटरनल ऑडिट प्लान इशूड बाय केपीएमजी सो मैंने क्या किया है केपीएमजी uh, का एक इंटरनल ऑडिट प्लान है जो कि गूगल पे अवेलेबल है इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि मैं कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लिख कर रहा हूँ तो ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया था इवन मेरे एक फ्रेंड ने डाउनलोड करके सेंड किया था कि सर आप इसे एक्सप्लेन कर दो तो मैंने उस इंटरनल ऑडिट प्लान को एक्सप्लेन किया है उसके कुछ पार्ट्स को और उस पार्ट को मैंने एक्सप्लेन करके ऑडियो नोट रखा है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना आई विल शेयर विथ यू तो ये वाला पार्ट जब आप लोग को बताना है ना तो इस तरीके से बताना है कि सर एक्चुअली आफ्टर माई एग्जाम्स आई स्टार्टेड टू सर्च अबाउट द डिफरेंट प्रोफाइल्स आई सर्च अबाउट इंटरनल ऑडिट एंड आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर एनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑन द गूगल बट आई एम नॉट फाउंड इट बिकॉज आई फील दैट इट इज़ कॉन्फिडेंशियल इससे क्या होगा ना इससे आप ये बता रहे हो कि आपको पता है कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल होता है मैं आप लोग को बताता हूँ कि कॉन्फिडेंशियल इसलिए होता है बिकॉज देखो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा कंपनी के डेफिशियज कंपनी के इंटरनल कंट्रोल में डेफिशियज तो वो चीज़ बाहर लीक करने का नहीं है इसीलिए आप गूगल करना आपको जनरली इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट फुल फ्लेजेड किसी एक कंपनी का नहीं मिलेगा ओके okay, सो so आप uh, उनको ऐसे ही बोला कि आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बट आई फाउंड वन इंटरनल ऑडिट प्लान दैट वाज ड्राफ्टेड बाय केपीएमजी एंड आई अंडरस्टूड ऐसे बोल के बोल देना सारा कुछ सिर्फ ये बोलकर चुप नहीं होना है आई हैव रेड द इंटरनल ऑडिट प्लान ऑफ के नहीं आपको बताना है दैट वो पढ़ने के बाद मुझे ये 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 समझ आया ठीक है उनको ये एक्सप्लेन करना है उसके बाद इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट एंड गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीआई ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ लिंक टेलीग्राम पे करना मुझे मैसेज ठीक है तो इंटरनल ऑडिट करने का ना चेकलिस्ट है जैसे आ, मैंने वो बोला था ना इंटरमीडिएट में ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर्स में देख लेना कि सेल्स की ऑडिट कैसे होती है पर्चेज की ऑडिट कैसे होती है तो आईसीआई ने गाइडेंस नोट इशू किया है और एक इंटरनल ऑडिट करने का चेकलिस्ट इशू किया है सो so, वो सबसे पहला चेकलिस्ट आप लोग देखना सेल्स सर्विस एंड रेवेन्यू ऑडिट ठीक है उसके बाद परचेज एंड एंड और प्रोक्योरमेंट ऑडिट ये जो होगा ना ये सेल्स का प्रोसेस होगा सेल्स का प्रोसेस मतलब सेल्स ऑर्डर मिलने से लेकर पैसे रिसीव होने तक ये परचेज एंड एंड प्रोक्योरमेंट जो है ना ये पी टू पी प्रोसेस होगा पी टू पी प्रोसेस मतलब कि परचेज करने से लेकर पेमेंट करने तक के प्रोसेस और इसके अलावा और भी चीज़ दैट परचेज रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाता है आप लोग पॉइंटर्स देखना बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट दिया हुआ है इन्वेंट्री एंड स्टोर्स मैनेजमेंट का कैसे होता है ऑडिट अकाउंट सेवल एंड अकाउंट पेबल्स ऑडिट इतना पढ़ लोगे तो काफ़ी है उनको ये भी बोलना कि मतलब कि इस पॉइंट को आप लोग इंटरव्यू में कैसे बोल सकते हो आप वाइल शोइंग आवर इंटरेस्ट इन इंटरनल ऑडिट यू कैन से दैट आई वॉज वंडरिंग दैट आई वॉज वंडरिंग दैट देर मस्ट बी सम गाइडेंस नोट और एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इशूड बाई आई से दैट हाउ टू डू इंटरनल ऑडिट बिकॉज आई वॉज वेरी मच क्यूरियस टू नो दैट वट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स वी विल फॉलो इन द ऑर्गनाइजेशन इन ऑर्डर टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऐसे ही बोलना है ठीक है एंड आई फाउंड दैट देर इज सम इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट एंड द गाइडेंस नोट अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड देयर आई फाउंड दैट दैट सेल्स सर्विस रेवेन्यू ऑडिट आई हैव रेड परचेज प्रोक्योरमेंट ऑडिट इन्वेंट्री ऑडिट अकाउंट्स सेवल एंड अकाउंट्स सेवल वो पक्का पूछेंगे सेल्स का कैसे करोगे इंटरनल ऑडिट बताओ तो कुछ पॉइंटर्स जो अपना रेडी रखना वो बोल देना ठीक है दिस यू आर शोइंग दैट यू आर ऑलरेडी लिविंग इन दिस प्रोफाइल हम लोगों को यही शो करना है हम लोग को बच्चे की तरह नहीं कि मैं आया हूं आपसे सीखने शो बिल्कुल ऐसा करना है दैट आई एम लिविंग इन दिस प्रोफाइल आई एम लिविंग इन योर फर्म इतना उनके फर्म का नॉलेज रखना है इतना इस प्रोफाइल का रखना है नॉलेज ओके वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन इंटरनल ऑडिट ये भी मैं टेलीग्राम पे करूंगा शेयर वाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी टेलीग्राम अच्छा एक आई ऑडिट सॉफ्टवेयर आया था जो थर्टी सेकेंड्स में ऑडिट कर देता था तो ये जो चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया ना तो इस पर भी लोगों को बहुत डाउट हुआ था कि यार ये ऑटोमेशन प्रोसेस रिप्लेस कर देगा क्या इंटरनल ऑडिट को बट ऐसा कुछ नहीं है जो जो आई ऑडिट सॉफ्टवेयर के जो फाउंडर्स थे जब उन लोगों का कोई भी इंटरव्यू हो रहा था मैं मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ पे देखा है जब उनसे ये बात बोला गया ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर स्ट्रेस्ड कि कहीं कहीं आई ऑडिट उनका स्कोप तो नहीं ख़त्म कर देगा तो वो लोग हंसने लगे सोचो वो लोग हम लोगों पर हंस रहे हम लोग अपना काम नहीं समझ रहे कि एज अ इंटरनल ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है अगर हमें पता होता कि एक चार्ट अकाउंटेंट का क्या एमबिट है प्रोफेशनल जजमेंट का एरिया होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है इतने कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है तो एक सॉफ्टवेयर बस आकर चीज़ों को नहीं मतलब वो हमारे काम को आसान कर सकता है आई अग्री बट एज ए इंटरनल ऑडिटर हमारे स्कोप को वो रिस्ट्रिक्ट किसी एंगल से नहीं कर रहा है या हमें रिप्लेस नहीं कर रहा है ठीक है तो मैं जो फाउंडर्स का बात बता रहा था वो लोग हंस रहे थे कि चार्टड अकाउंटेंट्स ऐसा सोचते हैं इसलिए आते रहते ना बिकॉज हम लोगों को पता नहीं हम लोग को इनसेर होने का बहुत आदत है ऐसे होने लगा एम एस एम ई कुछ कंसल्टेशन पेपर लाया और एकदम पूरा जुलूस निकाल दो दिस दैट ठीक है तो इतना इनसेर नहीं होता इनसे वही होता है इसको अपना कैपेसिटी और अपने पावर का पता नहीं होता है यू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वॉट यू आर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉट यू आर कैपेबल टू डू परेशान नहीं होते इतना आप इतना इनसे्योर फील करोगे तो लोग और फील कराएंगे इनसे्योर जो कि रिक्वायर्ड नहीं है ये कोई झूठा मोटिवेशन नहीं है ओके चलो और अदर लेने में से टॉपिक्स में डायरेक्ट टैक्सेशन के वही स्लैब रेट्स टी डी एस रेट्स डिडक्शंस जो बजट में चेंजेस है ये सब आपको रखना है और बेसिक टेक्निकल नॉलेज रखना है क्योंकि नो डाउट इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल में तो और ज्यादा वो लोग पूछते हैं टैक्सेशन बिकॉज मैंने बोला ना इंटरनल ऑडिट में इंश्योर किया जाता है वेदर यू आर कम्प्लाइंग विद लॉ एंड रेगुलेशन और नॉट और, और उसमें टैक्स लॉज भी आते हैं ओके जीएसटी में भी बेसिक्स आपको याद रखना चाहिए रिटर्न का पर्पस और उसका ड्यू डेट्स इंटरेस्ट रेट क्या है डिलेड पेमेंट्स पे टाइम ऑफ सप्लाई एंड ऑल का प्रोविजन प्लेस ऑफ सप्लाई बी पी ओके हाँ रिसेंट फाइनेंशियल न्यूज का ध्यान रखना ऐसा न्यूज देखो जहाँ पे फाइनेंसल्स uh, इन्वॉल्व है इंटरनल ऑर्डर इन्वॉल्व है ये सब एरिया का हम लोगों को नॉलेज रहना चाहिए ठीक है बाकी जो एंसर क्वेश्चन एंड ऑल आई विल शेयर विध यू पीपल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप सो दिस इज हाउ यू पीपल आई फील अब कोई स्लाइड नहीं है बेस्ट विशेष टू यू गैज फॉर योर इंटरव्यू तो देखो हम लोगों ने क्या कवर किया हम लोगों ने बेसिक्स कवर किया हम लोगों ने टेक्निकल टॉपिक्स देखा इतना टेक्निकल आप लोगों को पढ़ना है ये सब चीज़ों का नोट्स बनाकर मुझे टेलीग्राम पे करना मैसेज तो आई आयल शेयर वी यू द इंटरनल ऑइ प्लान और उसके एक्सप्लेनेशन ये चेकलिस्ट एंड गाइडेंस नोट आप लोग मैं कर दूंगा लिंक शेयर ठीक है आप लोग ये ये पढ़ लेना बाकी जो एच आर जो एच आर के क्वेश्चन है वाई सी ए वाई इंटरनल ऑडिट वाई ई वाई वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द फाइव ईयर्स एंड ऑल ये सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिएगा आई रिपीट अगेन प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिएगा नोट्स बना के अगर आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा तो बार बार वीडियो को रेफर नहीं करना पड़ेगा ठीक है सो दिस वॉज द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑन इंटरनल ऑडिट आई होप आप लोगों को समझ आया होगा प्लीज़ इलॉजिकल लॉजिकल बात बातों से मिसलीड ना हो आप लोगों को यह तक समझ आया होगा दैट एक इंटरनल ऑडिटर जब एक बिजनेस के प्रोसेस को चेक कर रहा है तो उसे समझ आ रहा है कि एक बिजनेस वर्क कैसे करता है है ना और आप अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज को अगर देखते हो ना तो आपको और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है राइट सो so, एक ऑर्गेनाइजेशन के पूरे कंट्रोल इन्वामेंट का एनालिसिस करना वो लॉ रेगुलेशन से कंप्लाई कैसे कर रहे हैं उनका सेफ ऑफ असेट हो रहा है कि नहीं उनका ऑपरेशन इफेक्टिव चल रहा है कि नहीं उनका गवर्नेंस जो मैकेनिज़्म है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं आप जब इतना काम करते हो तो पूरा बिजनेस को समझ लेते हो ठीक है और एक बिजनेस को समझ रहे हैं इज़ नॉट अ इजी थिंग बिजनेस को समझना समझ के उसको इम्प्रूवमेंट का सजेशन देना दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिटर ओके सो गेट योर मिथ अ कोई भी अगर सीनियर ऐसा बोलते हैं कि यार इंटरनल ऑडिट में स्कोप नहीं उनसे पूछे रीज़न कि सर रीज़न क्या है हाँ मैंने काम किया तो मुझे अच्छा नहीं अरे मे भी उनको अच्छा नहीं लगा आपको वो चीज़ जचे राइट मे बी वो कोर इंटरनल ऑडिट में नहीं होंगे मे बी वो कोई साइड इंटरनल ऑडिट में होंगे लाइक like कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेस का वो चेक कर रहे होंगे वो तो डिपेंड करता है ना दिस इज टोटली सब्जेक्टिव थिंग को कोई भी एक इंसान नहीं बोल सकता है कि आपको इंटरनल uh, ऑडिट जचेगा या नहीं जचेगा दैट थिंग यू हैव टू जज ओनली और आप तभी जज कर पाओगे जो आज आपने समझा होगा कि हम लोगों ने इंटरनल uh, इंटरनल ऑडिट में हमने क्या काम करना है ओके okay? सो so, प्रोफाइल का तैयारी करेंगे मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिकल लेवल पे प्रोफाइल में इनडिफरेंट रहने को हम कुछ भी अगर सीख रहे हैं तो दैट इज़ अ लर्निंग फॉर मी ओके ऐसे ही आप लोगों को पता है डिमांड सप्लाई क्या है आर्टिकल सिप अपॉर्चुनिटीज़ का तो अगर एक अच्छे फर्म में मिलता है यू आर गेटिंग इंटरनल ऑडिट यू कैन गो फॉर इट मैटर करता है कि फर्म का क्लाइंट बेस कैसा है मैटर करता है फर्म्स की पॉलिसीज़ कैसी है क्योंकि वहाँ पर आपको तीन साल रहना है आपको तीन साल ढाई साल अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है तो पॉलिसीज़ बहुत मैटर करती है फॉर्म का इन्वायमेंट बहुत मैटर करता है फॉर्म का एटीट्यूड समझ में आता है पॉलिसीज़ देख कर अब कोई फॉर्म ऐसा बोलता है जैसे मान लो कि कुछ फॉर्म है कहता है ऐसा कि ट्रांसफ़र लोगों तो एट्टी परसेंट लौटाना पड़ेगा ट्रांसफ़र नहीं देंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं जाने देंगे कितने सारे फॉर्म होते हैं जो क्लियरली बोलते हैं कि कभी कभी लेट नाइट रुकना पड़ेगा तो इससे एटीट्यूड समझ आता है आप लोगों को फॉर्म का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेट नाइट रुकना गलत है ज़्यादा काम हो तो मेरा ये कहना है कि मे बी कोई इसके लिए ओके हो मे बी कोई ना हो तो थिंक इज सब्जेक्टिव दूसरे का इतना ना सुने यार वो वो फॉर्म अच्छा है क्या बोल दिया अच्छा है तुम चले जाओगे क्या पता तुम्हें पसंद नहीं आए ओके सो बी योर ओन जज सुनो समझो इन्फॉर्मेशन लो टेक माई हेल्प इन द डिसजन मेकिंग मैं भी आप लोगों को अगर कुछ भी बताता हूँ तो मैं आप लोग को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता हूँ इट्स नॉट लाइक कि मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है ये कर लो वो कर लो ओके सो विथ सो मच ऑफ गुड विशेज आई एम समिंग अप दिस वीडियो आप लोग प्रिपेयर करो अच्छे से नोट्स अच्छे से बना लेना मुझसे टेलीग्राम पर बात करना एंड वीडियो को लाइक एज वेल एज कमेंट करना देट आपको ये वीडियो कैसा लगा ओके okay? चलो थैंक यू सो मच बाय